हाय गाइस, आज हम लोग एक प्रोजेक्ट देखेंगे पाइथन जेंगो का। और पाइथन जेंगो का इसे देखेंगे, मतलब सिर्फ बैकएंड ही बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने फ्रंट एंड भी इसका बनाया हुआ है। और आप पूरा प्रोजेक्ट देखिए कि जब ये बनेगा पूरा, यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बनेगा, तो ये किस तरीके से दिखेगा। बेसिकली ये एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया हुआ जेंगो में, JWT का यूज़ करके, बट यहाँ पर हम लोग जोसर का यूज़ कर रहे हैं, या फिर डी जोसर भी आप उसको कह सकते हैं। सो प्रोजेक्ट इंट्रो पहले लीजिए, फिर बताता हूँ कि चीज़ें कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से क्या क्या होती हैं। सो ये मैंने नाम रखा है बस इस वेबसाइट का, ट्यूटलीफाई। बाकी यहाँ पर होम टैब है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट टैब एक रहेगा, यहाँ से लॉग इन है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो मैं लिखता हूँ नाम जो कि मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से एक ईमेल ले लेते हैं कोई सा भी, वैसे ये सारी चीज़ें ईमेल बकवास ईमेल है। अब यहाँ पर आते हैं और एक कोई भी हम लोग पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड बढ़िया सा देना है, छोटा मोटा पासवर्ड नहीं चलेगा इसमें, एक बढ़िया सा पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, वरना ये वैलिडेशन प्रॉपर वैलिडेशन है यहाँ पर, जो एक बढ़िया से ऑथेंटिकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, जिसके लोग देख पा रहे हैं कि एरर वगैरह भी नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने ये पासवर्ड वगैरह लिख दिया, फिर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो यहाँ पर आपको सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ग्रीन कलर में, ये यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये हो गया। अभी जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और यहाँ पर अगर कोई लॉग इन में क्लिक करे और लॉग इन करने के लिए जाए, हमारा ये वाला ईमेल था और पासवर्ड मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो 123456, और लॉग इन में क्लिक करे तो ये लॉग इन नहीं होगा, नो एक्टिव अकाउंट फाउंड विद दी गिवन क्रेडेंशियल। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक ईमेल मिलता है, आपको ईमेल दिखाता हूँ एक बार। देखिए इस तरीके से आपको एक ईमेल दिखाई देगा, एक्टिव अकाउंट एक्टिवेशन ट्यूटलीफाई, मतलब तो जो वेबसाइट का नाम रहेगा वो। ये फुल्ली कस्टमाइज आप कर सकते हैं जैसे मर्जी वैसे। यहाँ पर आपको मिलता है यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू नीड टू फिनिश एक्टिवेशन प्रोसेस ऑन ट्यूटलीफाई, जो वेबसाइट का नाम रहेगा वो। यहाँ पर क्या करना है, एक्टिवेट अकाउंट में क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से वेबसाइट पर लेकर जाएगा, और यहाँ पर कहेगा एक्टिवेट योर अकाउंट, और इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्टिवेट अकाउंट में क्लिक करना है। अगर एक्टिवेट अकाउंट में क्लिक करने से नहीं होगा तो फिर यहाँ पर मैं लिख दिया कि डिडंट रिसीव एक्टिवेशन लिंक। हालांकि ये यहाँ पर वैसे कोई मैंने रखता नहीं है, इसको हटा दूंगा मैं, बिकॉज ये एक्टिवेशन लिंक मिलेगा तभी तो ये दिखेगा। या कुछ दूसरा मैसेज लिख देंगे कि एक्टिवेशन काम नहीं कर रहा है, या फिर टोकन काम नहीं कर रहा किसी वजह से, तो उसके लिए लिख देंगे कुछ भी, मतलब अच्छा सा मैसेज लिख देंगे। ये मैंने वैसे ऐसे ही डेमो के लिए लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने से कॉन्टैक्ट पेज में चला जाएगा। अभी के लिए क्या करना है, एक्टिवेट करना है अगर आपको ये वाला अकाउंट जो आपने अभी रजिस्टर किया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक्टिवेट अकाउंट में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही थोड़ा सा समय लेगा और एक्टिवेशन प्रोसेस बिहाइंड द सीन होगा, और यहाँ पर ये अकाउंट है एक्टिवेटेड और आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा 5 सेकंड में। आप इसको कम भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन आप इसको कम रखिएगा, 1 मिनट या दो, 1 सेकंड या 2 सेकंड रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। फिर वहाँ पर दिखाइएगा नहीं कि रीडायरेक्ट हो रहा है, बस रीडायरेक्ट कर देना है। देखिए ये रिडायरेक्ट हो गया लॉग इन वाले पेज में। हम लोग वापस से इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये पहले वाला था इसको क्लोज करते हैं, इस वाले पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर देखिए ये हमारा ईमेल, अगर आपने एक्टिवेशन कर लिया तो आपको एक और ईमेल मिल जाता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड इज़ रेडी टू यूज़। और यहाँ पर लॉग इन वाला क्लिक करेंगे तो लॉग इन वाले पेज में आपको ये भेज देगा। तो कोई एक लॉग इन यूज़ करते हैं, तो हमारे ये वाला ईमेल था, ये हमने चूज़ किया, और यहाँ पर हेलो 123456 ये दिया, और लॉगिन में क्लिक करेंगे। अब ये लॉगिन हो जाएगा और आपको इस तरीके से यूजर पैनल में पहुंचा है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक नया टैब डैशबोर्ड देने को मिलता है, और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन यहाँ से गायब हो जाए। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना डेटा, ये आपका API से रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये हम लोग पीनिया स्टोर, ये मैंने नक्ष 3 का प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए पीनिया स्टोर लिखा हुआ है। मैंने नेक्स्ट में भी बनाया हुआ है, मैं आपको रिडक्स टूल किट जो भी नेक्स्ट वगैरह का जो भी होता है कोड उस पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तभी ये नेक्स्ट का UI मैंने ऑन कर लिया हुआ, कोई नहीं। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर प्रोफाइल में, फिर यहाँ से आपको प्रोफाइल में आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं राजेश कुमार लिखना चाहूँ तो मैंने कुमार लिख दिया, अपडेट में क्लिक करूँ तो ये अपडेट हो जाएगा और आपको ये यहाँ पर चेंज होकर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो प्रॉपर वैलिडेशन वगैरह भी लगा हुआ है। डिलीट करना चाहते हैं ये अकाउंट तो आप करंट पासवर्ड लिख के डिलीट कर सकते हैं, लॉगआउट में क्लिक करेंगे ये आपका लॉग आउट हो जाए। तो ये पूरा फीचर है। और इसके अलावा क्या फीचर है, और फॉरगेट पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड में आइए और यहाँ से ईमेल लिखिए और सेंड ईमेल में क्लिक कीजिए, और आपको ये पासवर्ड रिसेट करने का ईमेल आपके ईमेल पे भेज देगा। जैसे पासवर्ड रिसेट ईमेल सेंड, काइंडली चेक योर ईमेल, यहाँ आइए और यहाँ पर चेक कीजिए। पासवर्ड रिसेट का एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा बटन, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको नया पासवर्ड इंटर करने का मौका मिलेगा। मैं करता हूँ हेलो 123@सिंबल दिया, इस तरीके से यहाँ पर फिर से लिखते हैं हेलो और 123@सिंबल दे, और सबमिट पर क्लिक करते हैं और हमारा पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। नया वाला पासवर्ड हमारा हेलो 123@सिंबल है, देखिए गोल घूम रहा है, पासवर्ड हमारा रिसेट हो गया। 5 सेकंड में राइट कर देगा हमें लॉग इन पेज में, और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ईमेल मिल जाएगी और पासवर्ड हैज़ बीन चेंज, जहाँ से लॉग इन भी कर सकते हैं आप। इस तरीके से प्रॉपर ईमेल सब कुछ लगा हुआ इसमें, और आप नए पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। वैसे आप अगर देखें यहाँ पर, ये नया पासवर्ड मैं लिखता हूँ हेलो 123@सिंबल और लॉगिन में क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा लॉगिन हो जाता है। इसके अलावा डैश जो एडमिन है, एडमिन पैनल हुआ तो एडमिन पैनल रहेगा ही, जेंगो का अपना एक एडमिन पैनल होता है, बिकॉज मैंने इसमें जेंगो यूज़ किया हुआ है। डी जोसर जेंगो का एक पैकेज है पाइथन का, तो आप जेंगो इसमें यूज़ करते हो। तो जो बिहाइंड द सीन वाला, मतलब बैकएंड वाला जो आपका पैनल है,
वो अभी भी आपका बना हुआ रहेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा बैकएंड वाला है, मैं इसमें अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर 8000 में ये चलता है हमारा, यहाँ पर 8000 में स्लैश एडमिन पे हमारा चलता है। तो ये पाइथन हमारा चल रहा है और यहाँ से आप एडमिन लॉग इन करेगा तो एडमिन मेरा ये अलग ikishores@gmail.com वाला है, और ये इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, मगर आई थिंक hello123456 ही होगा, देख लेते हैं। नहीं ये तो नहीं है, एडमिन है क्या, एडमिन लॉग इन, देखिए एडमिन ही था। तो यहाँ पर आप यूज़र अकाउंट में आके ये सारा देख सकते हैं कि कौन कौन सा रजिस्टर हुआ है, और बाकी कुछ ऑथेंटिकेशन नहीं है, आप बाकी और चाहे फीचर तो ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर, वो दीजिए। तो ये बिहाइंड बैकएंड में जो आपका पैनल होता है एडमिन डैशबोर्ड, वो आपका एज इट इज़ है। तो ये तो बना हुआ रहेगा, लेकिन ये अलग पोर्ट पर है, 8000 पोर्ट पर है। ठीक है, तो इसको करते हैं लॉग आउट। लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी आप अपने अपने लिए एक एडमिन का डैशबोर्ड बना सकते हैं, या फिर किसी ई कॉमर्स में सेलर का बना सकते हैं। उसको मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। लॉगिन में क्लिक करते हैं और गीकी शोज वाले ईमेल से लॉगिन करेंगे, तो geekyshows@gmail.com, ये एडमिन का ईमेल है, ध्यान रहे, और यहाँ पर था ये एडमिन पासवर्ड, तो उसी से लॉगिन करेंगे। और मैंने यहाँ पर एक एडमिन पैनल अलग से बनाया हुआ है जो कि सिर्फ एडमिन के लिए है। एडमिन देखिए, देखिए आपको यूज़र से लॉगिन किया था तो यहाँ पर यूज़र पैनल दिख रहा था, अभी एडमिन पैनल दिख रहा है, मतलब दो डैशबोर्ड हैं, एक यूज़र के लिए अलग और एडमिन के लिए अलग। और इसका अपना चेंज पासवर्ड है, अपना डिलीट अकाउंट है और अपना लॉग आउट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी इस तरीके से आप पूरा एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। मैं करता हूँ इसको डिलीट और इस वाले को भी डिलीट करती है, पता नहीं चेक क्यों नहीं होता, जो भी हो। और बियॉन्ड द सीन हम लोग जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं इसमें, वह है MySQL, जैसे हम लोग देख सकते हैं PHP में आपको दिखा रहा हूँ, ये डेटाबेस है हमारा, और यहाँ पर डेटाबेस का ये वाला टेबल है जिसपे हम लोग अपना यूज़र सेव करेंगे। तो है बराबर, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, साथ में ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर फ्रंट एंड मैं आपको अभी दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैक एंड में बात करेंगे, यानी कि पाइथन जेंगो में बात करेंगे, और फ्रंट एंड का मैं अलग से बताऊंगा आपको नेक्स्ट में और नेक्स्ट में, तो जब देखेंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल के लिए पाइथन जेंगो पे रहना है, और DSR पैकेज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वह देखना है, और API टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन यूज़ करेंगे। इसको करते हैं क्लोज, और ईमेल को भी क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए, और ये भी ये रहने देते हैं अभी। अभी देखिए इसमें क्या क्या आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। जेंगो, जेंगो को पता होना चाहिए, तो जेंगो की ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, यहाँ से आप जेंगो सीख सकते हैं, जेंगो जेंगो की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, जेंगो के साथ अच्छे गूगल में मिल जाएगा। DRF जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हमें आवश्यकता पड़ेगी, बिकॉज हमें API बनाना है, तो DRF हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जोसर पैकेज या फिर DJSR पैकेज, ये हमें पैकेज यूज़ करना है, बिकॉज हमें ऑथेंटिकेशन का पूरा जो फीचर है वह यही हमें प्रोवाइड करेगा, ये सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड करेगा। ईमेल वगैरह जो सेंड हो रहा है वो हम लोग कस्टम नहीं करेंगे, इसी पैकेज का यूज़ करेंगे। बहुत ही बढ़िया सा पैकेज है ये ऑथेंटिकेशन के लिए, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ नहीं पता, जैसे आप जेंगो नहीं जानते, तो आप मेरे चैनल पर आइएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, इसके बाद यहाँ से जेंगो का प्ले लिस्ट आपको फाइंड करना है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, मैंने बना के रखा हुआ, देखिए जेंगो यहाँ पर है, DRF यहाँ पर है, तो जेंगो का प्ले लिस्ट आप ओपन कीजिएगा, आपको जेंगो यहाँ से सीखने को मिल जाएगा, A to Z बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा का पूरा जेंगो आपको मिल जाएगा। पूरे इंटरनेट पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया हुआ है उस तरीके से वो कहीं भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा आपको देखने को मिले, बड़ा देखने को मिले, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें, हर छोटी छोटी चीज़ समझ में आएगी, 100% गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। चाहे आप पेड कोर्स लें या फिर फ्री कोर्स लें, आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जेंगो आप यहाँ से सीख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, और DRF भी आप सीख सकते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन मोहब्बत के साथ बनाया हुआ है, आप DRF भी सीख सकते हैं अगर आप DRF नहीं जानते हैं उस केस में। इसके अलावा मैंने ऑथेंटिकेशन पहले से बताया हुआ है JWT का यूज़ करके, जिसमें मैंने रिएक्ट फ्रंट में यूज़ किया था, रिएक्ट नेटिव यूज़ किया हुआ था, और यहाँ पर JWT मैंने यूज़ किया था जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के साथ, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जोसर पैकेज का यूज़ करेंगे, जो हमें थोड़ा सा और बेहतर फीचर्स प्रोवाइड करेगा, तो आप चाहें तो इसको भी देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें तो। इसके अलावा अगर आपको जेंगो का और प्रोजेक्ट देखना है, तो आप इस प्रोजेक्ट वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से जल्दी से। अभी आते हैं अपने मेन काम पर, यानी कि धीरे धीरे चार सारी सारे जो काम है वो शुरू करेंगे। एक और चीज़, पोस्टमैन अगर आपको नहीं पता, बिकॉज हम लोग पोस्टमैन ही यूज़ करेंगे API टेस्टिंग के लिए, तो पोस्टमैन का प्ले लिस्ट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टमैन का ये रहा प्ले लिस्ट, यहाँ पर पोस्टमैन कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वेब सॉकेट टेस्टिंग करते हैं, या फिर API का डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ मैंने बताया, आप यहाँ से सीख सकते हैं पोस्टमैन अगर आपको नहीं पता है तो। उसके लिए फिर जो भी आपको यूज़ करना चाहिए दूसरा कोई, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं API टेस्टिंग के लिए, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग थंडर यूज़ करते हैं, तब उसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्वैगर यूज़ करते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई यूज़ कर लिया। मैं यहाँ पर पोस्टमैन यूज़ करने वाला, तो बातें बहुत होगी, अब हम लोग एक्शन की बात करेंगे। यहाँ से मैंने DJ auth जो हमारा डेटाबेस था उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर एक नया डेटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे, उसमें आएंगे थोड़ी देर में, इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन के साथ। सो मैंने यहाँ पर ओपन किया VS कोड, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को ओपन फोल्डर में क्लिक करना और एक फोल्डर पहले लेकर आना है। सो मैंने ओपन किया VS कोड, और यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करना है और जेंगो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले हम लोग बनाएंगे एक ENV, वर्चुअल ENV बनाएंगे, जिससे हमारा सारा सारा पैकेज एक जगह पर रहेगा। तो पहले चलते हैं हम लोग सी ड्राइव पे, ठीक है, सी ड्राइव पे चलते हैं, CD डॉट डॉट करके, यहाँ पर सी ड्राइव पे, सी ड्राइव पर ही बनाएंगे। तो एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, MKDIR क्रिएट किया,
और यहाँ इसका नाम रखते हैं हम लोग जेंगो डीजे डीजोसर, क्या नाम है, डीजोसर ऑथ, ये रखते हैं डीजोसर ऑथ, ठीक है, ABI। और इंटर की प्रेस करता हूँ, एक फोल्डर हमारा बन गया होगा CD करके, इसके अंदर आप जा सकते हैं। फिर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर में क्लिक करते हैं, सी ड्राइव में मैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फोल्डर है, और सिलेक्ट फोल्डर में क्लिक करेंगे ये हमारा ओपन हो जाएगा। अभी टर्मिनल ओपन करते हैं, येस में क्लिक किया, टर्मिनल ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपना वर्जन भी वगैरह बनाएंगे। तो वर्जन भी बनाने के लिए पहले देखते हैं PIP फ्रीज करके कि पैकेज हमारा है या नहीं, PIP फ्रीज किया, और ये वाला पैकेज होना जरूरी है वर्चुअल में, अगर नहीं तो PIPI.RG से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरे केस में है, तो मैं इसमें कर सकता हूँ क्या, वर्चुअल ENV, और इसका नाम है वर्चुअल ENV का क्या नाम है, इसका नाम मैं रखता हूँ ENV रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटर की प्रेस किया और यहाँ पर देखिए ENV नाम से एक हमारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये क्रिएट हो गया, इसको एक्टिवेट कर सकते हैं आप। इसको मैं पहले CLS करके एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसके आप इसके अंदर जाइए CD ENV के अंदर में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर में आपको मिलेगा एक स्क्रिप्शन का फोल्डर जिसमें एक्टिवेट नाम का फाइल है, ये आपको रन करवाना है। यहाँ पर लिखिए स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स का S कैपिटल है, तो स्क्रिप्ट्स लिखना है और एक्टिवेट लिखना है, इंटर की प्रेस कीजिए, और ये कह रहा है कि स्क्रिप्ट्स इसके अंदर में नहीं है, ये वाला स्लैश देकर देखते हैं ये क्या हो गया भाई। स्क्रिप्ट्स का S कैपिटल S स्मॉल में रहने देते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं, ये स्मॉल में रखना है, कैपिटल में नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं। सो ये हो गया हमारा, देखिए आपका जो ENV का नाम था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और एक्टिवेट हो जाता है उस केस में। अभी देखेंगे PIP फ्रीज करके, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली है बिल्कुल, कोई भी पैकेज इस ENV में इंस्टॉल नहीं है। हम लोग एक एक करके सारे पैकेजेस पहले इंस्टॉल करते हैं, तो हमें चाहिए जेंगो, देखिए PIP इंस्टॉल जेंगो, और इससे आपका क्या होगा, इससे आपका लेटेस्ट वर्जन जेंगो का हो जाएगा। PIP इंस्टॉल जेंगो की प्रेस किया, और देखिए जेंगो हमारा हो रहा है इंस्टॉल, जेंगो के साथ जो सपोर्टिव पैकेजेस चाहिए वह सारे हो जाएंगे, और ये क्विकली हो जाना चाहिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई। देखिए ये हो गया, अभी हम लोग इसमें CLS करते हैं और PIP फ्रीज करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, देखिए जेंगो हो गया। इसके साथ हमें DRF चाहिए, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, जेंगो को हटाते हैं। DRF इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल यहाँ पर इंस्टॉल पर जाना है, और ये को भी करना है, सिर्फ DRF ही करना है और कुछ नहीं करना है, वापस आइए यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए, और देखिए हमारा DRF भी इंस्टॉल हो रहा है और हो गया, और इसको चेक कर सकते हैं PIP फ्रीज करके, देखिए DRF हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके अलावा आपको DOSER जो मैंने कहा था उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर आते हैं और इसको ऐसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्लिक करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड में आते हैं, और यहीं पर होगा इंस्टॉलेशन का, देखिए क्या रिक्वायरमेंट है, ध्यान रहे सपोर्टिव पाइथन, सपोर्टेड पाइथन वर्जन क्या है, 3.8.5.6.7.8, और जेंगो का वर्जन ये, हालांकि हमारा लेटेस्ट जेंगो में भी काम करेगा ही, और जेंगो डैश फ्रेमवर्क का ये, तो जो लेटेस्ट है मेरा वो मेरा अपग्रेडेड है, लेटेस्ट में ही जेंगो है मेरा, लेटेस्ट में ही पाइथन है, सब कुछ लेटेस्ट में, उसमें भी काम करेगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, PIP इंस्टॉल और जो सर ये लिखना था, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ ये यहाँ पर CLS पेस्ट करते हैं, यहाँ से डैश यू हटा देता हूँ मैं, और सिंपली इंटर की प्रेस करेंगे, और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा क्विकली, देखिए इंस्टॉल हो गया, आप इसको देख सकते हैं। अगर PIP फ्रीज करेंगे, आप PIP फ्रीज करके देखेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए ये 2.2.2.2, और बाकी जो यहाँ पर सपोर्टिव पैकेजेस हैं वह सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल GWTP 5.2.2 ये करके दे देता है हमें, अगर नहीं तो आपको करना पड़ता अलग से, साथ में ये यूज करता है एक मेलिंग, तो ये जेंगो टेम्पलेटेड मेल इसका यूज करता है ईमेल वगैरह के लिए सेटअप के लिए, तो उसका यहाँ पर ये भी यहाँ पर दे रहा है आपको, और यहाँ पर सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, देखिए। और सोशल ऑथ अगर आपको चाहिए होगा, हालांकि सोशल ऑथ की हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे, सोशल ऑथ मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दे रहा है। अभी अगर आप ये आप चाहें तो आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपका रेस्ट फ्रेमवर्क है वह ये मतलब सिंपल GWT है वह, आप ये हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं, और किया मैंने इसको CLS, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं वो सिंपल JWD, यहाँ से हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा इंस्टॉल हो गया, पहले से था आई बिलीव, तो इसने रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो ये पहले से था इसलिए वहाँ पर हुआ नहीं, मगर हमने फिर भी कर लिया अपना। जब सोशल ऑथ करेंगे तो हमें ये इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी, बट अभी उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक पहले प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, फिर सेटअप की बात करेंगे, तो ये इंस्टॉलेशन का पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अलावा जब फ्रंट एंड हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमें एक कोर्स पॉलिसी का एरर मिलेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए कोर्स हेडर इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में देखेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा, तो फिर अभी भी आप कर सकते हैं वैसे, कोई इशू नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वैसे PIPI.ORG यहाँ पर जाना है, और ये लिख के सर्च कीजिएगा जेंगो डैश कोर्स डैश हेडर, तो आपको ये मिल जाएगा, ये वाला पैकेज, वैसे इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, इससे कोर्स पॉलिसी का एरर नहीं आएगा आपका। ये हमने ये भी था क्या क्या हमने किया, PIP इंस्टॉल जेंगो कोर्स हेडर, और नहीं ये नहीं था, ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा था, आई थिंक ये था, कोई नहीं, हमने फिर भी कर लिया। अभी हम लोग CLS करते हैं और प्रोजेक्ट क्रिएट करने की बात कर, ओके प्रोजेक्ट अब क्रिएट करते हैं, बहुत हो गया, पहले से बाहर आते हैं ENV से, तो ENV से मैं बाहर आ गया, और यहाँ पर हम लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट DOSER ऑथ API, जो फोल्डर का नाम था वही हमने यहाँ पर लिख दिया, और डॉट लिया ताकि इसी जगह पर हमारा ये क्रिएट हो जाए इसी नाम से, और हमारा सब कुछ बढ़िया सेटअप रहता है। इंटर की प्रेस करते हैं और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये देखिए हमारा क्रिएट हो गया, और साथ में manage.py फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ settings.py फाइल में जाना है और क्या क्या सेटअप करना है वह पहले देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ वो सारा आपको यहाँ पर लिखना है, क्या इंस्टॉल किया हुआ है हमारा, इंस्टॉल किया हुआ है सबसे पहले
जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, तो उसके लिए आपको ये कॉपी करना है और यहाँ ये यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको ये डू नॉट शो यहाँ पर आना है और डी ओशर ये, तो ये तो हमने ऐड कर दिया हुआ पहले से और ये मेरा पहले से होगा। हम डी ओ सर ये करेंगे, इसको कॉपी किया और लगाना है यहाँ पर, इसको पेस्ट करते हैं। तो देखिए भाई थोड़ा सा समय लगेगा इसको करने में क्योंकि बहुत लंबा ये बनेगा। अभी हमने कोडिंग शुरू भी नहीं किया, अभी तो सेटअप ही करें, आधा घंटा मेरे ख्याल से गुजर गया होगा। सो ये हो गया, अभी हमें इसमें यूआरएल भी सेट करना पड़ता है बट उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर आते हैं और इसमें क्या क्या सेटअप करना है, इसमें आपको सेटअप करना है कोर्स हेडर, तो यहाँ पर ये कर देते हैं कोर्स हेडर। और अभी हम लोग एक ऐप बनाएंगे तो वह भी करेंगे बट उससे पहले कोर्स हेडर का और क्या सेटअप करना है वह देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक ये कोर्स हेडर का जो ये वाला पूरा है ये हमें लिखना है कॉमन मिडिलवेयर के जस्ट ऊपर में, तो यहाँ पर आइए और ये कॉमन मिडिलवेयर है यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट कर। इसके अलावा आपको इसमें और क्या सेटअप करना है, ये कोर्स हेडर का हम लोग सेटअप कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखिए यहाँ कहीं होगा ये कोर्स अलाउड ओरिजिन ये वाला हमें सेटअप करना है, ये पूरा कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए और ये सबसे नीचे चलाइए यहाँ पर और यहाँ पेस्ट कीजिए। और यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखने ये लिखने की बजाय आपको लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा। लिखना है आपको HTTP रहने देते हैं और इसको हटाते हैं यहाँ से। यहाँ लिखना है लोकल होस्ट, ये जो आपको जो फ्रंट एंड जो जिस रूट पे चलेगा वह यहाँ पर लिखना होता है। तो 3000 पोर्ट पर चल रहा है तो वह मैंने लिखा हुआ, या कुछ चेंज करना पड़ेगा बाद में मे भी अगर वह किसी और पोर्ट पर चलेगा उस केस में। अभी के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, इसको बाद में देख लिया जाएगा। जब हम लोग फ्रंट एंड इसमें इंटीग्रेट करेंगे तब ये हमें असुविधा पड़ने वाली है, अभी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है जी, तो इसके बाद और कुछ नहीं करना मेरे ख्याल से, बस इतने सेटअप करना था। और अगर कुछ करना होगा तो हमें फ्रंट एंड के समय याद आएगा, उस वक्त हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ये वाला एक्चुअली कोर्स अलाउड ओरिजिन ये वाला था हमारा, ये हमारा मतलब यहाँ से भी कॉपी कर सकते थे, ये वाला कॉपी कर लीजिए फिर वो वाला, दोनों बात एक ही है। बट यहाँ से कॉपी करने समय ये भी लिखा हुआ मिल जाता, इसको मैं कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट करके चिपकाऊँ तो मुझे ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ये दो चीज़ें यहाँ सटा देनी है, बस ये दो चीज़ मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर बस पोर्ट चेंज कर देते हैं बिकॉज मोस्टली 3000 पोर्ट पर हमारा फ्रंट एंड चलता है, इसलिए मैं यहाँ पर 3000 लिख रहा हूँ, बट बाद में चेंज करना पड़ सकता है, ये दो चीज़ें रहने देते हैं। ये कोर्स पॉलिसी का जो एरर आता है उसको हैंडल करने के लिए हमने ये सेटअप किया हुआ है, इसका और कोई काम इसको क्लोज कर सकते हैं आप। इसके बाद DRF का यहाँ पर और कुछ खास काम नहीं है, इसको भी आप हटा दीजिए बिकॉज इसमें और कुछ हमें लेना देना नहीं, इसको करते हैं क्लोज। इसमें काम हमें करना पड़ेगा, इसमें काम बहुत सारा काम करना पड़ेगा। चलिए अभी एक ऐप क्रिएट करते हैं, फिर डेटाबेस सेटअप करते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है डी यूजर का वह देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक क्या करते हैं, एक ऐप क्रिएट करते हैं। ऐप क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है और लिखना है पाइथन manage.py और स्टार्ट ऐप, और ऐप का क्या नाम रखेंगे, अकाउंट रखते हैं या फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ऑथ रख सकते हैं, बहुत लोग ऑथ रखते हैं, या फिर आप अकाउंट भी रख सकते हैं, मैंने अकाउंट रख दिया। और एंटर की प्रेस करते हैं, एक एप्लीकेशन हमारे यहाँ पर देखिए क्रिएट हो गया। अभी इस एप्लीकेशन को मुझे पहले मुझे मेंशन करना है यहाँ पर, वरना ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर आइए, लिखिए अकाउंट और लिख दिया, सेव कर दिया इसको। इसके बाद डेटाबेस सेटअप कर लेते हैं, वरना हम लोग रन करेंगे तो हमारा SQLite यहाँ पर रन हो सकता है, जो मैं चाहता नहीं। डेटाबेस सेटअप करते हैं, उसके लिए आपके पास MySQL होना चाहिए। देखिए मेरा MySQL यहाँ पर रन कर रहा है 5-6 सर्वर के साथ। एक डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए आप कमांड लाइन का भी यूज कर सकते हैं वैसे, और आप चाहें तो PHPMyAdmin का भी यूज करते हैं। मैं PHPMyAdmin का यहाँ यूज कर रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा समय इसमें लेना नहीं चाहता, तो यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, और PHPMyAdmin मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा नया, यहाँ पर क्रिएट क्लिक करते हैं, पर लिखते हैं डी जोशर और क्रिएट में क्लिक किया, हमारा एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया। देख सकते हैं इसमें कुछ भी अभी है नहीं। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया डेटाबेस। अब एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे यूजर और पासवर्ड मिल जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले होम में चलते हैं। इसमें होम में हमें यहाँ से यूजर अकाउंट्स में आना है, यहाँ पर सिर्फ रूट हमारे क्रिएट है पर रूट मुझे यूज नहीं करना, मैं एक नया क्रिएट करता हूँ। तो एक ऐड यूजर अकाउंट में यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर यूजर नेम, यूजर नेम लिख देता हूँ राज, और होस्ट नेम ये रहने देते हैं जैसा है वैसे ही, वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप टाइप करते हैं। तो पासवर्ड हमें यहाँ पर देना है, मान लीजिए हमने दे दिया हेलो 1 2 3 4 5 6, ये दे दिया। रीटाइप करने के लिए कह रहा है तो रीटाइप भी कर देता हूँ, हेलो 1 2 3 4 5 6, ये रीटाइप कर दिया। और यहाँ पर कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ एज इट इज है। और यहाँ पर प्रिविलेजेस में चेक ऑल कर दीजिए, ग्लोबल प्रिविलेज सब कुछ देते हैं, डेटाबेस और यूजर अकाउंट क्रिएट डेटाबेस विथ सेम नेम ये सब नहीं करना, बस ये सारा दे देते हैं। सेलेक्ट वगैरह करेगा, क्रिएट वगैरह कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, ये सब उन्हें दे दिया और गो में क्लिक कर देते हैं और ये हमारा क्रिएट हो गया। तो हमारा एक एडेड यूजर नया दिख रहा है, यहाँ यूजर अकाउंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आज यूजर आपको दिख जाएगा, पासवर्ड आपको याद होगा जो हमने दिया था वो। हमारे पास पासवर्ड है, यूजर का नाम है और डेटाबेस भी क्रिएट कर चुके हैं हम लोग। चलिए हम लोग कोड में चलते हैं वापस से, और यहाँ पर एक env.env हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ लिखे .env और इसमें सारा डेटा लिखेंगे। तो हमें क्या 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 हमें लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पर क्या क्या इसमें नाम लिखा था, db name इक्वल, और इसका नाम लिख देंगे क्या क्या नाम था डेटाबेस का हमारे, एक बार आके देख लेता हूँ, डी जोशर या फिर जोशर ऑथ db, डी जोशर ऑथ
डीबी, और ये क्वोट बंद कर दें। यहाँ पर डीबी यूजर हमें देना है, यूजर, और यूजर राज हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर राज को पहले बंद करते हैं, डीबी पासवर्ड, ये पर डीबी पास सिर्फ ले देता हूँ, इतना बड़ा लिखे, और यहाँ पर लिखना है हेलो 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने लिखा, इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी ये हमें अपने इस यहाँ पर सेटिंग में मैंशन करना है, बिकॉज यहाँ पर एसक्यूएल डीबी हमारा सेटअप होगा, देखिए ये, बट हमें ये नहीं करना, हमें इसके बजाय अपना डेटाबेस सेटअप करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इंजन हमारा यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ये इंजन ना रह के यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, MySQL, ये MySQL लिख दिया, जेंगो डॉट डी बी डॉट बैक एंड डॉट MySQL। उसके बाद नेम में क्या लिखना है, नेम में हमारा जो डेटाबेस का नाम रहता है वह, तो ये नहीं होगा, उसको हम लोग लेकर आएंगे कहाँ पर, जो हमारे ई एन वी में वहाँ से, तो इसलिए लिखते हैं OS डॉट ई एन वी, OS हमारा इम्पोर्ट नहीं लगता है, इसलिए ये ऑटो कम्प्लीट नहीं हो रहा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, यहाँ से ऊपर आया मैं, अरे भाई कहाँ पर है, ओके यहाँ पर सबसे ऊपर आते हैं और यहाँ पर OS को इम्पोर्ट कर लेते हैं। OS हमारा इम्पोर्ट हो गया, अब वापस से नीचे आइए जहाँ पर हम लोग ये देख कर रहे थे, यहाँ पर तो OS डॉट इनविरॉन डॉट गेट, और इसमें लिखना है वह वैल्यू जो आपने डॉट एनवी में लिखा था। तो हमने क्या लिखा, डीबी अंडरस्कोर नेम, यानी कि इससे यहाँ पर जो वैल्यू है वह चलाएगा। तो नाम हमने दे दिया डेटाबेस का, उसके बाद आपको यूजर देना है, यूजर कौन सा है, यूजर हमें सेम इसी से मिल जाएगा, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। और ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर यूजर लिख देता हूँ मैं, यूजर लिखते हैं, इसको हटाते हैं, और यहाँ पर यूजर में डीबी यूजर लिखा होता है ना, तो यूजर यहाँ पर कर देते हैं यूजर। इसी तरीके से पासवर्ड के लिए यहाँ पर आप पासवर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर लेते हैं पास, नहीं, कैसा लिखा होता, डीबी पास लिखा होता, क्या लिखा था यहाँ पर, तो ये पासवर्ड ही होगा, यहाँ पर ये पासवर्ड होगा बट यहाँ पर डीबी पास होगा, ये कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर होस्ट लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर होस्ट लिख देता हूँ होस्ट, और होस्ट यहाँ पर आपको लिखना होता है 127.0.1। और उसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर पोर्ट लिख सकते हैं, पोर्ट, और पोर्ट हमारा होता है 3306, इसके लिए MySQL के लिए, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट है इसका पोर्ट, अगर आपने चेंज नहीं किया होगा तो आपका भी यही होगा, और होस्ट हमारा यही रहता है। तो डेटाबेस मेंशन कर दिया, यूजर मेंशन कर दिया, और डेटाबेस का पासवर्ड भी मेंशन कर दिया, ये सेटअप हमारा डेटाबेस का हो गया। अब जब भी आप रन करेंगे, माइग्रेट वगैरह करेंगे, MySQL में आपका डेटाबेस जाएगा बजाय SQLite 3 में आने के। डेटाबेस सेटअप का हमारा काम हो चुका है, इसको करते हैं क्लोज, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अभी अकाउंट्स में आएंगे अपने एप्लीकेशन पे, और यहाँ पर चीज़ें हम लोग क्रिएट करना देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें क्रिएट करनी है। सबसे पहले अपना कस्टम मॉडल बनाएंगे, एक यूज़र मॉडल, जिसमें हमारा अपना फील्ड होगा, यूजर का रजिस्टर करते वक्त क्या क्या फील्ड हमें देना है वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और उसके साथ उस यूजर का एक मैनेजर बनाएंगे, ताकि सुपर यूजर और नॉर्मल यूजर में डिफ्रेंशिएट होकर क्रिएट हो सके वो अच्छे तरीके से। चलिए क्रिएट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले क्लास, और इसका नाम रखेंगे यूजर ही नाम रख देता हूँ मैं, यूजर रखा, और ये इनहेरिट करेगा किसको, एब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर को, जो कि हमने इम्पोर्ट नहीं किया, जो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और वहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे कहाँ से, वहाँ इम्पोर्ट करेंगे, मैं जरूरी चीज़ें इम्पोर्ट कर लेता हूँ, आपको इम्पोर्ट करना है यहाँ से, देखिए फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्री डॉट ऑथ डॉट मॉडल से बेस यूजर मैनेजर और एब्स्ट्रैक्ट यूजर बेस यूजर, ये हम लोग दो चीज़ें इम्पोर्ट करनी है, तो मैंने इन दोनों को इम्पोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर लिखते जाइए क्या क्या फील्ड आपको लेना है, जैसे मुझे ईमेल फील्ड लेना है तो मैंने ईमेल लिखा इक्वल, ये लिखना है मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड होगा ये, और ईमेल फील्ड में यहाँ पर हम लोग दे देंगे वर्बोस नेम, इसका दे देते हैं ईमेल, हालांकि ईमेल ही लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ मैं ईमेल। उसके बाद मैक्स लेंथ इसका दे देते हैं कि ईमेल का मैक्स लेंथ क्या हो सकता है, ईमेल का मैक्स लेंथ होगा 255 का, और यूनिक रहेगा तो यूनिक ट्रू कर दिया मैंने, ओके। सो ये हो गया, इसको कर देते हैं सेव। इसके अलावा और कौन सा फील्ड हमें चाहिए, हमें एक और फील्ड चाहिए नेम, तो मैं नेम यहाँ पर दे सकता हूँ, उसके लिए हम लोग मॉडल्स डॉट कहेंगे कैर फील्ड, और कैर फील्ड में इसका मैक्स लेंथ हम लोग दे सकते हैं कि कितने लेंथ का नाम होगा, तो 255 का हमने दे दिया। इसके अलावा एक देंगे इज एक्टिव, कि एक्टिव है या नहीं वो हमें पता चलेगा इससे, जिसमें हम एक्टिवेशन वगैरह करके इसको चेंज भी कर पाएंगे। ये होगा बोलियन फील्ड, और बाय डिफॉल्ट इसमें ट्रू कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स हो तो बेटर है मेरे ख्याल से, तो इसको फॉल्स या फिर ट्रू रहने, इसको ट्रू रहने देता हूँ मैं, ट्रू रहने दिया। उसके बाद इसी तरीके से एक एडमिन का बनाएंगे, इज एडमिन, तो ये एडमिन है या नहीं वो पता चलेगा हमें इससे, तो यहाँ पर एडमिन लिखिए और इसको फॉल्स कर देते हैं। उसके बाद इसी तरीके से आपको क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट का दो डेट टाइम का फील्ड बनाना है यहाँ पर, जो कि हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अलावा हमें यहाँ पर मैनेजर देना पड़ेगा, किसका क्या मैनेजर रहेगा, किस तरीके से चीज़ें हैंडल होगी, बट वह करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और करनी, जैसे यूजर नेम से नॉर्मली जब आप एडमिन में जाएंगे, एडमिन लॉग इन करेंगे, तो वहाँ पर यूजर नेम से लॉग इन होता है जेंगो में, बट मुझे ईमेल यूज़ करना है एज अ यूजर नेम, ईमेल से लॉग इन करेगा बंदा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फील्ड देना पड़ता है यूजर नेम और फील्ड, कौन से फील्ड को आप यूजर नेम बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ईमेल अरे यूजर नेम फील्ड बन जाए, तो वो हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद यहाँ पर एक मिलता है रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कौन कौन से फील्ड इसमें से रिक्वायर्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से रिक्वायर्ड है नेम, तो ये नेम हो जाए, और एक रिक्वायर्ड हम लोग बनाते हैं इज एडमिन का, ताकि एडमिन हमें दिखे जब हम लोग एडमिन को क्रिएट करें यहाँ पर कमांड लाइन से, उस वक्त वरना दिखेगा नहीं, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो हमने इज एडमिन भी दे दिया होगा। ध्यान रहे कि इज एडमिन, इसका आपको वैल्यू देना पड़ेगा हर बार जब ये पूछा जाएगा, तब
रजिस्ट्रेशन करेंगे तब। ओके, और ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। बाकी इधर कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे ईमेल मुझे रिटर्न में चाहिए, फुल नेम चाहिए होगा, हैज़ परम की क्या क्या परमिशन का राइट है, या फिर मॉड्यूल परम से देते हैं, इज स्टाफ का कोई अगर प्रॉपर्टी चाहिए होगा वह सारा आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। मैंने ये बहुत ही डिटेल बताया है JWT में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग के तौर पर ये रिटर्न जाएगा क्या, ईमेल से आपका ये यूनिकली दिखेगा। इसी के से गेट फुल अगर आप इसको करेंगे तो ये आपको फुल नेम दिखाएगा। फिर हैज़ परम्स के हमने डज द यूज़र हैव अ स्पेसिफिक परमिशन, सिंपलेस्ट पॉसिबल आंसर इज येस ऑलवेज, तो इज एडमिन इसमें हमने दिया हुआ है। उसके बाद हैज़ मॉड्यूल मतलब इज एडमिन, इस एडमिन का स्पेशल परमिशन होगा। जैसे किसी मॉड्यूल का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी एक मैंने बनाया हुआ है जो आप यहाँ यूज़ कर पाएंगे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो, इज स्टाफ नाम का। तो यहाँ पर सारे एडमिन स्टाफ होते हैं इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, सो ये हो गया, इस पर तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने बना लिया हमारा मॉडल। अब इस मॉडल का एक मैनेजर हमें बनाना पड़ेगा जो की जरूरी है। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर मॉडल तैयार करते हैं, कस्टम यूज़र अकाउंट मैनेजर की वाला हम लोग बना रहे हैं, और हमने यहाँ पर कस्टम एडमिन मॉडल बनाया था और यूजर मॉडल बनाया था। इसको हटा दूं यहाँ पर और यहाँ पर लिख दूं कस्टम यूजर मॉडल। अब यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं कस्टम यूजर मैनेजर। ओके, सो यहाँ पर लिखना है क्लास, और क्या नाम रखेंगे इसका, यूजर नहीं, यूजर मैनेजर, और ये बेस यूजर मैनेजर यहाँ से चलेगा डेफ, और क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर में एक फंक्शन है जो कि हमें यहाँ पर कॉल करना था, और हम इसमें हम लोग पास करते हैं, पहले सेल्फ दिया, फिर ईमेल फील्ड है तो ईमेल दे दिया, इसके अलावा हमारे पास एक नेम फील्ड है तो वह दे दिया, इसके बाद एक इज एडमिन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा जिसका आप यहाँ पर एक वैल्यू दे दीजिए, फॉल्स डिफॉल्ट अगर कोई नहीं देता तो ये डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा, और पासवर्ड यहाँ पर आपको देना पड़ेगा जो कि होगा नन। ओके, ये दे दिया। अभी यहाँ पर आप पहले चेक करेंगे कि इफ नॉट ईमेल, अगर ईमेल नहीं आता जब रजिस्ट्रेशन होता है, जब यूजर या यूजर की अकाउंट क्रिएट किया जाता है और ईमेल नहीं आता है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको रिटर्न करना है, रिटर्न नहीं रेज करवाते हैं, एरर है तो रेज करवाते हैं, रेज क्या वैल्यू एरर, वैल्यू एरर रेज करवाएंगे, और इसमें हम लोग दे देंगे इसको कि यूजर मस्ट मस्ट हैव ईमेल एड्रेस, ये दे दिया, और मान लीजिए कि ईमेल दे दिया, ईमेल दे दिया तो उस केस में यूजर इक्वल सेल्फ डॉट मॉडल, उसके डेटा में सेव करवाएंगे तो कौन कौन सा डेटा करवा रहे हैं हम लोग, सेल्फ डॉट मॉडल से निकाल ले रहे हैं, ईमेल में कहाँ से मिल जाएगा, सेल्फ डॉट नॉर्मलाइज कर लेते हैं पहले इसको, नॉर्मलाइज ईमेल, और ये ईमेल फील्ड को नॉर्मलाइज करेगा और फिर ईमेल में डाल देगा। ठीक है, इसी के से नेम इक्वल नेम, इसको नॉर्मलाइज करने का आवश्यकता नहीं, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइज ईमेल यूज़ नहीं करना है, और इज एडमिन, और एक इज एडमिन जिसके लिए इज एडमिन से वैल्यू आएगा, इज एडमिन से। ठीक है, तो जो नहीं देगा तो फॉल्स ही रहेगा, एडमिन मतलब वो एडमिन नहीं बनेगा। तो ये क्रिएट यूजर के लिए होता है, यानी कि नॉर्मल से यूजर जो होता है वह। अभी क्या करना है, सिंपली पासवर्ड सेट करना है, तो यूजर डॉट सेट पासवर्ड का यूज करेंगे, सेट यूजर डॉट सेट पासवर्ड, और जो भी पासवर्ड में आएगा वह पासवर्ड आपको सेट कर देना है, तो हम लोग सेट करेंगे, उसके बाद इसको सेव कर देंगे, तो यूजर डॉट सेव, और यहाँ पर लिख दीजिए यूजिंग यूजिंग इक्वल सेल्फ डॉट अंडरस्कोर DB, ये नहीं लिखेंगे तो भी आई थिंक हो जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद रिटर्न कर देना है यूजर, अगर चाहे तो यूजर को मैंने रिटर्न कर दिया जो क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा आपको एक, ये तो उस नॉर्मल यूजर के लिए हुआ, एक सुपर यूजर के लिए भी आपको करना है, तो हम लोग इसमें कमेंट में मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्रिएट एंड सेव अ यूजर विद द गिवन ईमेल नेम एंड पासवर्ड, ये हो रहा। इसके अलावा ये जो है पूरा इसी को पूरा कॉपी कर लूँ मैं एक बार और पेस्ट करूँ, इसी क्लास के अंदर रहना है बस, ये सुपर यूजर के लिए फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर हमें ये फंक्शन वैसे बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है, बस हम यहाँ पर एडिट कर रहे हैं, मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं उसको, इनहेंस कर रहे हैं। तो क्रिएट अंडरस्कोर सुपर यूजर देना है, इसमें भी सेल्फ रहेगा, ईमेल रहेगा, नेम रहेगा, इज एडमिन इसमें ट्रू कर देना है, ये ट्रू कर दिया, और इसका पासवर्ड ही नन रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्रिएट एंड सेव अ सुपर यूजर, सुपर यूजर, ये सुपर यूजर विद द गिवन ईमेल एंड नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पर अगर ईमेल नहीं है तो ये आप ये ईमेल हटा भी सकते हैं, बिकॉज सुपर यूजर सिर्फ कमांड लाइन से ही हम लोग क्रिएट करने का इसको देंगे, या फिर वह फ्रंट एंड से क्रिएट कर सकता है नॉर्मल यूजर, फिर बाद में उसको सुपर यूजर बना सकता है, बट इनिशियली एक सुपर यूजर यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। अब चाहे तो इसको हटा सकते हैं, इसका कोई खास काम वैसे है नहीं, अब इसको रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, मैं यहाँ से इसको गायब कर देता हूँ। ठीक है, मैंने गायब कर दिया, और ईमेल को आप नॉर्मलाइज कीजिए, यहाँ पर नहीं करता हूँ बिकॉज कमांड लाइन से जाएगा, ये वैसे भी अच्छा ही जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर पासवर्ड देते हैं, ऐसे आप ऊपर वाला ही रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें करके दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख रहा हूँ पासवर्ड। बाकी नेम एज इट इज़ रहेगा, इज एडमिन एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर आप एक और दे सकते हैं, एक और आप यहाँ पर लिख सकते हैं सुपर इज एडमिन, हालांकि ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर मैं दे देता हूँ, ये मैनेजर में इसमें रहता है, तो ई सुपर डॉट इज एडमिन इक्वल ट्रू कर देना है, बाकी इसको सेव करना है, ये यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यूजर डॉट सेव, और ये रहेगा, बाकी यूजर रिटर्न आएगा। तो ये मैनेजर था हमारा जो हमने बनाया, अभी इस मैनेजर को हमें मेंशन करना है कि किस मॉडल के लिए बना हुआ है, तो ये बना हुआ है,
इस मैनेजर के लिए, यूजर मॉडल के लिए, ये मैनेजर इस मॉडल के लिए बना हुआ है। तो इसमें लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लगाने के लिए आपको इसमें यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिखिए ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स इक्वल, और जो हमारा था यूजर मैनेजर वो आपको बस यहाँ पर कॉल कर देना, बस मैं लिखिए और कुछ खास करने का आवश्यकता नहीं। बाकी हमारा ये मॉडल बन के तैयार है, दोबारा समझाऊंगा नहीं, ये हमने GWT में भी देखा, बोर्ड आप चाहें तो वहां से भी इसको देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। मॉडल हमारा बन के तैयार है, सारे फील्ड्स वगैरह होपफुली मैंने सही लिखा होगा, कुछ गड़बड़ होता है वापस से आके डिबग कर लेंगे। ये मॉडल हमारा यहाँ से रेडी है। अब इस मॉडल का यूज करके रजिस्ट्रेशन किया जाए, इसके लिए आपको सेटिंग करना पड़ता है, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि ऑथ यूजर मॉडल आपका कौन सा है। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग्स डॉट पीवाई फाइल पे, और यहाँ पर आप कहीं भी वैसे लिख सकते हैं। तो मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पर आया मैं और इसको सबसे नीचे रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है आपको ऑथ यूजर मॉडल इक्वल, इसमें क्या अकाउंट के अंदर में यूजर है ये वाला मॉडल आप यूज करना है जब भी आपको रजिस्ट्रेशन करना हो, उस वक्त हमने ये बता दिया। ये नहीं करेंगे तो आपका ये वाला जो कस्टम मॉडल है ये काम नहीं करेगा, ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अब बारी है सीरियलाइजर बनाने की, एक तो मॉडल तो बना लिया, अब सीरियलाइजर बनाते हैं। उसके लिए हम फाइल पर क्रिएट करेंगे, तो न्यू फाइल और यहाँ पर लिखना serializers.py, और यहाँ पर सीरियलाइजर बनाना है। सीरियलाइजर बनाने के लिए पहले आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा DJosher से सीरियलाइजर, मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया, यूजर क्रिएट सीरियलाइजर। उसके बाद आपको अपना मॉडल इम्पोर्ट करना है, मॉडल हमारा है फ्रॉम अकाउंट डॉट क्या नाम था मॉडल्स डॉट डॉट नेम इम्पोर्ट, और यूजर नाम से मॉडल था हमारा, ठीक है, तो ये हमने लिया। आप गेट मॉडल करके भी निकाल सकते हो, बट इससे हमने निकाल दिया। और यहाँ पर आपको एक सीरियलाइजर क्लास बनाना था, क्लास लिखा यूजर क्रिएट सीरियलाइजर, कुछ नाम वैसे कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं यही वाला नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये वाला नाम, और यहाँ पर ब्रैकेट में भी वही लिख देंगे। तो ये इसको इनहेरिट करके ये बना रहा है, नाम सेम है, इसे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आप नाम अलग लिख सकते हैं बट उससे कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद यहाँ पर क्लास मेटा देना है, मेटा क्लास क्या होगा हमारा, मेटा क्लास हमारा यहाँ पर हो जाएगा, उसको लिखेंगे अभी यूजर क्रिएट सीरियलाइजर डॉट मेटा, ये हमने दे दिया। उसके बाद इसमें कौन सा मॉडल लगेगा, इस मेटा क्लास में मॉडल हमारा लगेगा कौन सा मॉडल है, यूजर, हमने यूजर लिख दिया। इसके बाद कौन कौन सा फील्ड चाहिए होगा हमें, तो हम लोग फील्ड्स भेज दें आईडी, या आईडी ऑटो जनरेट होता है, हमने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देना है आईडी के बाद ईमेल, हमने ईमेल दिया। ईमेल के बाद हमें यहाँ पर देना है क्या, नेम, नेम दे दिया, और यहाँ पर फिर देना है पासवर्ड, तो हमने पासवर्ड दे दिया। तो ये सारी चीजें आवश्यकता पड़ने वाली थी जो हमने यहाँ पर लिखा, इसको हमने सेव कर दिया, बस इतना ही लिखना है। इस एडमिन यहाँ पर नहीं लिखना है, लिखने से काम हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया। अभी सीरियलाइजर को क्लोज करते हैं। सीरियलाइजर को क्लोज करने के बाद अगर आप इसको एडमिन डैशबोर्ड पर देखना चाहते हैं, यानी कि 8000 पोर्ट पर देखना चाहते हैं, तो उसको आपको admin.py पर भी मेंशन करना पड़ेगा। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी किया, आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूट से एडमिन को मैंने इम्पोर्ट किया हुआ है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आई बिलीव मॉडल से हमने इम्पोर्ट किया यूजर मॉडल जो हमने भी कस्टम बनाया था वह, और जेंगो कॉन्ट्रीब्यूट डॉट ऑथ एडमिन से हमने यूजर एडमिन एज बेस यूजर एडमिन हमने इसको किया हुआ है इम्पोर्ट। और यहाँ पर बेस यूजर एडमिन लिखा, फिर यूजर मॉडल एडमिन यहाँ लिखा हुआ है, फिर लिस्ट डिस्प्ले कौन कौन सा होगा, आईडी, ईमेल, नेम, इज एक्टिव, इज एडमिन ये होगा, लिस्ट फिल्टर इज एडमिन से हो सकता है, और फील्ड सेट आप लगा सकते हैं। इस यूजर क्रेडेंशियल में एक सेक्शन बन के आपको ईमेल और पासवर्ड दिखेगा, फिर पर्सनल इन्फो में फील्ड्स आपको नेम दिखेगा, फिर परमिशन में आपको इज एडमिन और इज एक्टिव दिखेगा। इसके अलावा हमने ऐड फील्ड सेट यहाँ पर दिया हुआ है नन, और क्लासेस दिए हैं वाइड, फील्ड्स हमने ईमेल ये और ये दिया हुआ है, बाकी सर्च फील्ड है और ऑर्डरिंग है, और ये बस एक्स्ट्रा आप यहाँ से यहाँ तक ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ तक का ये वाला सिर्फ लिस्ट एडमिन लिखिए और आपका काम हो जाएगा। ये बस थोड़ा सा बेहतर दिखिए, सर्च वगैरह हो और ऑर्गेनाइज होकर दिखे, इसलिए मैंने लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव। भी इतना करने के बाद चलिए डेटाबेस वगैरह बनाते हैं। डेटाबेस वगैरह बनाने से पहले हम लोग URLs वगैरह सेटअप कर लेते हैं इसका, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा इस आउटर पे, एक URLs तो यहाँ बनाना है एक्चुअली, यहाँ पर URLs बनाते हैं। URLs ये यूजर क्यों लिख दिया मैंने, URLs.py, और जो भी यहाँ पर URL होगा वह हमारा होगा DJosher से रिलेटेड, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर जाना पड़ेगा पहले, और यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा ये कह रहा है डालने के लिए। एक तो ये कह रहा है कि आपको URL पैटर्न में URLs पे ये डालना है, मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए, देखिए ये तो एक ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे। ये हमें पूरा लिखना पड़ेगा URL पैटर्न वगैरह, वो देखेंगे अभी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये क्या भाई इतना लंबा, यहाँ से हटाओ और ये पूरा पहले कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया पूरे को और यहाँ पर पहले इसमें काम करेंगे, इसको पेस्ट किया और अभी जो हमने कॉपी किया था उसको वापस से लेकर आते हैं। ये वाला कॉपी किया, ये हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं किस में कर रहे हैं एक बार देख लो मैं, ये हम लोग कर रहे हैं अपने अकाउंट्स एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे URL फाइल है उसके अंदर में कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसमें इस वाले के कोई काम नहीं, इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ इस तरीके से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर पाथ, ये पुराना स्टाइल में लिखा हुआ है बट हमें ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर ऑथ रहने देते हैं और इंक्लूड, इंक्लूड हमारा आया नहीं इम्पोर्ट नहीं, इसलिए वजह से वो इस तरीके से दिख रहा है।
इंक्लूड और डी जोशर डॉट यू आर एल, तो सारे यू आर एल जो भी यू आर एल इसमें अंदर में होंगे, इसने जो भी बनाएगा व्यूज वगैरह सारा का सारा हमारा चलाएगा। तो व्यूज वगैरह हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। इसके अलावा हमें जे डब्ल्यू टी का यू हम लोग यूज़ करेंगे तो वो हमें चाहिए होगा, उसके लिए हमें जे डब्ल्यू टी पे जाना पड़ेगा, जो कि हमें मिलना चाहिए यहाँ कहीं तो होना चाहिए ना। जे डब्ल्यू टी पे चला ऑथेंटिकेशन बैक एंड, इस पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो हमें ये टॉक ऑथ टोकन नहीं यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है जेसन वेब टोकन। इसके लिए हमें एक तो ये एक कन्फिग करना पड़ेगा, फिर ये सिंपल जे डब्ल्यू टी में, और यू आर एस में हमें ये देना पड़ेगा। तो ये लाइन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक लाइन ये हमें करना है। तो सिंपली इसको कॉपी कीजिए, यहाँ से कॉपी करते हैं, इतना कॉपी किया और यहाँ पर आइए, देन यहाँ पर लिखिए पाथ और इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया, ये हमारा हो गया जे डब्ल्यू टी के लिए भी। यहाँ से ये हटा देना और ये हटा देना, तो बस यहाँ पर आपको ये करना है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको करते हैं क्लोज। अब ये जो हमारा ये वाला जो फाइल है इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने मेन यू आर एस पे, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ये इंक्लूड करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसके लिए हमें पहले इंक्लूड यहाँ पर निकालना पड़ेगा, इंक्लूड इंक्लूड ये क्या, और उसको इंक्लूड करने के लिए आपको लिखना है पाथ, पाथ के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे स्लैश एपीआई लगा देता हूँ मैं, तो एपीआई स्लैश और यहाँ पर करेंगे इंक्लूड, क्या इंक्लूड अकाउंट के अंदर में जो यूआरएल से हुआ, तो क्या हमारा पाथ बनेगा पूरा बनेगा स्लैश एपीआई स्लैश, यहाँ पर जाएगा स्लैश ऑथ, तो हमारा इसके अंदर जो भी यूआरएल होगा वह आगे हिट होगा, जैसे स्लैश यूजर हो सकता है, स्लैश ऑथ यूजर हो सकता है, कुछ भी होगा वह हमें बाद में देखना पड़ेगा कि क्या ये एंड पॉइंट हमें प्रोवाइड करता है। तो ये ऐड करने से इसके अंदर जो जोश ने जो यू आर एस में जो व्यूज़ वगैरह लगा वो आप हिट कर सकते हैं, लेकिन यू आर एस का कौन कौन सा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, एंड पॉइंट पे आपको जाना पड़ेगा, बेस एंड पॉइंट आई थिंक इस पर देखिए है, ये अगर स्लैश यूजर पे हिट करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या को रिक्वेस्ट देना पड़ेगा वह सब कुछ है, और इसमें आएंगे, लेकिन उससे पहले सेटअप कर लेते हैं पहले। तो सेटअप क्या करना है, ये हमें रेस्ट फ्रेमवर्क ये वाला सेटअप करना, इसको पूरे को कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद ये यहाँ पर और सेटिंग्स में जाना है, ये एडमिन का कोई काम नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं, यूआरएस का कोई काम नहीं, क्लोज, ये भी क्लोज, मॉडल भी क्लोज। तो यहाँ पर सेटिंग्स में आना है और इससे नीचे यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना, पहले ऊपर में कहीं लिखा हुआ नहीं लगता तो नहीं है, नहीं कहीं नहीं। सो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, तब से नीचे आते हैं यहाँ पर, ये पेस्ट करने के बाद ये तो हमने जे डब्ल्यू टी यूज़ करना ऑथेंटिकेशन तो हमने उसका कर दिया हुआ, लेकिन अगर परमिशन वगैरह भी आपको देना है तो उसके लिए आपको अलग से करना पड़ता है, जिसके लिए आप इसमें लगाते हैं परमिशन क्लासेस, जो कि मैं यहाँ पर लगा, तो डिफॉल्ट परमिशन क्लास रेस्ट फ्रेमवर्क परमिशन इज ऑथेंटिकेट हमने लगा दिया हुआ है, और ये हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए, परमिशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग जे डब्ल्यू टी का यहाँ पर यूज करें, ये यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको सेटअप करना है इसमें क्या, इसमें इसके अलावा आपको सेटअप करना है ये सिंपल जे डब्ल्यू टी, तो ये हमने कॉपी किया और यहाँ पर आइए और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या क्या देखिए, ये जो आप रेस्ट फ्रेमवर्क लिखते हैं ये आप जे डब्ल्यू टी को कॉन्फिग करने के लिए जो भी यहाँ पर होगा वह आप लिखते हैं, फिर जो जे डब्ल्यू टी की सेटिंग्स होती हैं वह आप जे डब्ल्यू टी सिंपल जे डब्ल्यू टी यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या क्या सेटिंग और हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए ऑथ हेडर टाइप यहाँ पर जे डब्ल्यू टी है, बहुत जगह पर बियरर आपको देखने को मिलता है, तो वह सारी चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको बताया होगा ऑथेंटिकेशन वाले वीडियो में, बट यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे जरूरी के जो भी रहेंगे वह सारा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सो बस ये सेटअप कर लिया, ये दो ऑथेंटिकेशन हमें प्रोवाइड करता है, एक टोकन बेस्ड और एक जे डब्ल्यू टी, तो हम लोग यहाँ पर जे डब्ल्यू टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने ये किया, ये भी कर दिया और ये यूआरएल भी हमने लगा, यहाँ पर तो इतना काम खत्म हो जाता है और कुछ खास है नहीं। अगर रन कर लेते हैं देखते हैं कि डेटाबेस वगैरह हमारा जनरेट हो रहा है या नहीं, यहाँ पर डेटाबेस टेबल वगैरह तो कम से कम बनना ही चाहिए, अगर रन ना हो उस पर नहीं पड़ता। यहाँ पर लेना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और इसका नाम रखेंगे मेक माइग्रेशंस, ठीक प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पर एक एरर मिल रहा है, ये कह रहा है कि MySQL क्लाइंट आपने इंस्टॉल नहीं किया, बिकॉज आप MySQL यूज़ कर रहे हैं तो MySQL क्लाइंट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेन चीज़ हमने इंस्टॉल नहीं किया, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिए पी आई पी इंस्टॉल और माई एसक्यूएल क्लाइंट, एंटर की प्रेस कीजिए और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम लोग रन माइग्रेशन करते हैं, तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, एंटर की प्रेस किया, देखिए हमारा मॉडल वगैरह जनरेट होगा यूजर का, अब सिंपली माइग्रेट करना है, एंटर की प्रेस करते हैं और ये कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड यूजर आर लोकल होस्ट पासवर्ड नो। ओके, तो हमें यहाँ पर मिल गया एक एरर मिल गया, बिकॉज ये डॉट एनवी जो है हमारा रीड नहीं हो रहा, हमने इसका पैकेज इंस्टॉल नहीं किया होगा इसलिए से ये रीड नहीं हो रहा, ना डीबी यूजर आ रहा है, ना ही नेम और ना ही डीबी पासवर्ड। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं, मैं समझता इसको इंस्टॉल मैंने नहीं किया होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सी एल एस करते हैं और पी आई पी फ्रीज करके आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सा पैकेज आपने इंस्टॉल किया है, तो मैं शायद भूल गया हूँ इसको, एक बार देख लेते हैं डॉट एनवी करके कोई पैकेज है क्या, एक बार मुझे देखने दीजिए पहले, थिंक नहीं है, चलिए नहीं है,
नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपको जाना है .py.org पे और यहाँ पे लिखना है जेंगो -env। इसके बाद आपको ये वाला पैकेज मिलेगी, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको आप राइट क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए। और ज़्यादा कुछ इसमें खास करना है नहीं, बस इतना करना है, उसके बाद आपका ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखिए इस वाले पैकेज पे यहाँ से होम पेज में क्लिक कीजिए। यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था, पता नहीं अननोन करके इन्होंने छोड़ दिया हुआ। यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको अपने manage.py फाइल पे जाना और यहाँ से import.env ये वाला इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पर आइए और manage.py फाइल यहाँ पर आना है, यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के बाद ये करेंगे .env read .env ये वाला कॉपी करना है और ये आपको मेन के अंदर में लिखना है, यानी कि आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको सेव कर दिया और होपफुली अब हमारा ये काम करना चाहिए। यहाँ पर वापस आते हैं और ये OS environment ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर ये काम करना चाहिए। वैसे तो ये यहाँ पर एक इफ लिखा हुआ है, इफ नेम, बट मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी ये काम करना चाहिए मेन के अंदर में। चलिए अभी रन करते हैं वापस से इसको, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर .env में। देखिए हमारा ये डेटाबेस सही है, यूजर सही है और पासवर्ड भी सही है। वापस से माइग्रेट करते हैं, ये अब हो जाना चाहिए। देखिए माइग्रेट में क्लिक किया और हमारा ये काम का था, मतलब माइग्रेट हो चुका है। अभी आप अपने डेटाबेस में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, इसको क्लोज कर, इसका कोई काम नहीं, यहाँ पर आना है और इसमें देखेंगे। देखिए आपको दिख जाएगा अकाउंट अंडरस्कोर यूजर, ये हमने अभी क्रिएट किया था, जो हमारा टेबल है इसी पर हमारा सब कुछ सेव होने वाला है। तो इसको करते हैं क्लोज। और इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, आपको लग रहा हो कि बहुत कुछ और कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, बस आपको सेटिंग्स करते जानी है और इसको यूज करते जाना। जितना सेटअप था हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सब कुछ, अभी हमें बस डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है और सारे काम करते हुए जाना है। जैसे कि सबसे पहला काम करेंगे रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कुछ भी होगा सब आपको यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एंड पॉइंट्स दिखाऊँ, उससे पहले ईमेल सेटअप कर लेते हैं, बिकॉज ईमेल ये भेजेगा अकाउंट रजिस्टर करके, मैं दिखाऊँ तो ईमेल भी जाएगा, ईमेल सेटअप नहीं करेंगे तो ईमेल नहीं जाएगा। ईमेल सेटअप कर लेते हैं। ईमेल सेटअप करने के लिए आपको जीमेल की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोई एक जीमेल आप अपना ले लीजिए। देन आपको जाना है अपने जीमेल में लॉगिन करने के बाद सेटिंग्स में यहाँ से, और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा मैनेज योर अकाउंट सेटिंग, गूगल सेटिंग, यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद आपको सिक्योरिटी पे जाना है, ये डमी ईमेल मैंने बनाया आप लोगों को बस दिखाने के लिए, यहाँ आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ये 2-step वेरिफिकेशन, आपका टर्न ऑन रहना चाहिए तभी आपको पासवर्ड जनरेट करने का मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर हमने कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक करें 2-step वेरिफिकेशन में, तो ये फिर से पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हालांकि मुझे याद नहीं है, मगर मैं फिर भी लिख देता हूँ। पासवर्ड लिखा, नेक्स्ट में क्लिक किया, नेवर सेव में क्लिक करते हैं और ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसमें नीचे करेंगे आप तो आपको यहाँ पर दिखेगा ऐप पासवर्ड, ये वाला हमें बेसिकली आना है। कभी कभी क्या होता है कि ये आपको ऊपर में यहीं पर दिख जाएगा, कभी कभी क्या होगा कि ऐप पासवर्ड आपको यहीं पर लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आप वहां से भी क्लिक कर सकते हैं। बस किसी तरीके से आपको ऐप पासवर्ड को एक्सेस करना है। हमारा एक पहले से सेटअप है, मगर फिर से एक सेटअप करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आना है और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ऐप पासवर्ड पे। देखिए एक हमारा पहले से सेटअप है जेंगो वेबसाइट के लिए, जिसपे मैंने आपको डमी दिखाया था अभी। यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा कि क्या आप किसके लिए आपको करना है, मेल के लिए, तो मैंने यहाँ पर मेल लिखा है, या फिर आप यहाँ पर अदर कस्टम नेम भी लिख सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर मेल लिख देता हूँ, मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कौन से सिस्टम के लिए, मैं विंडोज कंप्यूटर, आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, फिर जो आपको चूज करना है अदर नेम चूज करना चूज कर सकते हैं। मैं विंडोज कंप्यूटर चूज करता हूँ, जनरेट में क्लिक करते हैं और हमें ये वाला पासवर्ड ये दे देगा। तो ये पासवर्ड हमें मेंशन करना है जब भी हम लोग यूज करेंगे, तो ये डमी पासवर्ड है और ये डमी सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए। कैसे सेटअप करना है वह देखिए, आपको यहाँ पर आना है और डेटाबेस के नीचे ही कर देता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ ये पहले .env में। आने के बाद यहाँ पर आप ईमेल वगैरह सबसे पहले चेक कर लीजिए, तो डाल लीजिए, तो ईमेल यूजर, और ईमेल यूजर क्या होगा, जो भी ईमेल आपका है वह लिखिए। तो मेरे केस में क्या है, मुझे तो याद भी नहीं है, नया ईमेल है, सिर्फ इसके लिए बनाया हुआ मैंने, तो मुझे याद नहीं है यार। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ से करेंगे और ये हमें बता रहा है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है आपका, कोई नहीं। सो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ईमेल पासवर्ड इक्वल, और यहाँ पर आपको वह पासवर्ड लिखना है जो भी मैंने आपको दिखाया था। तो कॉट के अंदर में यहाँ पर आइए और ये जो पासवर्ड है ये वाला डमी पासवर्ड, ये एक्चुअल पासवर्ड नहीं है इसका, ये सिर्फ इस तरीके से टेस्ट करने के लिए गूगल वालों ने एक नया फीचर निकाला हुआ, जिससे कि इसका जो पासवर्ड है ओरिजिनल पासवर्ड ये एक्सपोज ना हो। तो यहाँ पर ये लिख दिया, इसको करते हैं क्लोज। अभी ईमेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो जेंगो में हमें मिलता है, वो हम लोग नॉर्मल सा वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो मैं यहाँ पर आया और कुछ इस तरीके से मैंने इसमें लिख दिया। तो ईमेल बैकएंड आपको लिखना है पर जेंगो कोर मेल बैकएंड्स SMTP और ईमेल बैकएंड ये लिखना है, और ईमेल होस्ट में लिखना है SMTP@gmail.com। इसके बाद ईमेल का पोर्ट होता है 587 और ईमेल होस्ट यूजर मैंने OS इनवर्न गेट यूजर ईमेल जो हमारा .env में था वो यहाँ से चलाएगा। उसके बाद पासवर्ड हमारा फिर env से चलाएगा। इसके अलावा हमने TLS यूजर TLS ट्रू यहाँ पर किया होता है। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको करने हैं, बस आपको चेंज कहाँ पर करना है, यहाँ पर चेंज करना है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन आपका एज इट इज रहेगा जीमेल के साथ। ठीक है, तो ये ईमेल हमारा सेटअप हो चुका है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसको करते हैं क्लोज और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर इसको रहने देते हैं। इसमें बहुत सारा काम हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी। इतना किया, अब एंड पॉइंट्स वगैरह हम लोग हिट करना शुरू करेंगे, जो हमें जोशर या डी जोशर प्रोवाइड करता है हुआ, ताकि हम लोग अब इसको एक्सपेरिमेंट कर सके। बिकॉज इतना सिर्फ सेटअप करना था और एक हमने हमने कोडिंग में क्या किया, कोडिंग में हमने सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल बनाया हुआ है, इसका सीरियलाइजर बनाया और एडमिन पैनल में देखने के लिए ये बनाया, इसमें ज़्यादा इससे हमने कुछ भी नहीं किया। अब हम लोग सिंपली इसको रन करते हैं, यूआरएस वगैरह भी सेटअप किया हुआ है, बट इसमें ज्यादा कुछ खास काम था नहीं। पाइथन manage.py और रन
सर्वर इंटर की प्रेस करते हैं। और अगर एडमिन में जाना है तो आप यहाँ से एडमिन में जा सकते हैं। वैसे एडमिन पैनल हमारा एज इट इज काम करेगा। यहाँ पर आप जाएंगे एडमिन, आप बना लीजिएगा एक यूजर भी, ये ईमेल से बनेगा और आप इसको बना पाएंगे। इसको डन कर दें और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर ईमेल वगैरह हमारा आएगा और यहाँ पर तो आप देखेंगे कि आपका डेटाबेस में डेटा आ रहा है या नहीं। यहाँ पर आते हैं अब मेन और बैकएंड का जो एंड पॉइंट है उसको हिट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में कि क्या क्या और हमें सेटिंग करने की आवश्यकता है। यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ये पूरा सेटिंग दिया हुआ है। यूजर आईडी फील्ड, इसको पढ़िएगा कि नेम ऑफ अ यूनिक फील्ड इन यूजर मॉडल टू बी यूज एज आईडी फॉर एंड पॉइंट्स। तो ये हमें नहीं करना, हमें लॉग इन फील्ड, नेम ऑफ अ फील्ड इन यूजर मॉडल टू बी यूज एज लॉग इन फील्ड। तो लॉग इन फील्ड किसको यूज करना है एज अ लॉग इन, किसको यूज करना है, ईमेल को यूज करना है, तो इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ये जो लॉग इन फील्ड का प्रॉपर्टी, इसको कॉपी करना है, कैसे करते हैं वह देखते जाइए। इसको कॉपी करना है और सेटिंग्स में आइए और यहाँ पर कहीं डी यूजर का हमारा होगा नहीं, हमें एक बनाना पड़ेगा यहाँ पर प्रॉपर्टी डी जोशर का सेटिंग के लिए। तो यहाँ पर आइए और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ये क्या लिख दिया कमेंट कि यहाँ पर डी जोशर का सेटिंग कर रहे हैं हम लोग। जो भी सेटिंग होगा वो डी जोशर से रिलेटेड होगा। यहाँ पर लिखना है डी जोशर या फिर जोशर, सिर्फ इसको कहते हैं। और यहाँ पर लिखिए कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। उसके बाद लॉग इन फील्ड जो हमने अभी कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है। और किसको करना है, मुझे ई मेल फील्ड को करना है। तो मैंने यहाँ पर मेरा ई मेल लिख दिया, यानी कि मॉडल में जो मेरा ये ई मेल वाला है ये मेरा एज अ लॉग इन फील्ड यूज किया जाएगा, वह मैंने यहाँ पर इसको मैंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी और इसको भी। ये एक सेटअप हमने किया। उसके बाद दूसरा हमें चाहिए इसमें यूजर क्रिएट पासवर्ड रीसेट रीटाइप, तो वह हमें मिलेगा यहाँ पर। मैं सर्च कर रहा हूँ क्या यूजर से मिलेगा, ये ABC करके भी उन्होंने नहीं रखा हुआ है कि लगता है मैं अंधा हुआ। यहाँ पर हम लोग मिल नहीं रहा तो मैं इसको सर्च करता हूँ यूजर अंडरस्कोर क्रिएट, देखिए यहाँ पर लिख ये वाला, देखिए यूजर क्रिएट पासवर्ड रीटाइप। इससे क्या होगा, इफ ट्रू, अगर ट्रू कर दें यू नीड टू पास री पासवर्ड। यूजर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब हमें दो बार पासवर्ड लिखना पड़ेगा, एक बार पासवर्ड अगर कंफर्म पासवर्ड, तो उसके लिए यहाँ पर ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको फीचर चाहिए तो ये देना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है तो मतलब ये नहीं मांगा जाएगा, पर मुझे ये चाहिए। मैं क्या करूँगा, देखो सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आते हैं और दूसरा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोड के अंदर में और फिर इसको ट्रू कर देना, यहाँ पर ट्रू लिख देना ट्रू के लिए। तो अब क्या होगा, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों लिखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें एक्टिवेशन URL यहाँ पर सेटअप करना है कि एक्टिवेशन हमारा जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो एक्टिवेशन URL हमारा क्या जाएगा। उसके लिए आपको ये वैल्यू लिखना पड़ता है, इसमें आपको जो URL होगा कुछ इस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, बट ये फ्रंट एंड का URL होगा, बट अभी हमारे पास फ्रंट एंड नहीं है, हम लोग ऐसे ही इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर आइए और सिंगल कॉट के साथ इस तरीके से लिखिए और यहाँ पर लिखना है सेमी कलन, और जो हमारा यहाँ पर था मुझे तो इसको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है ना, कोई नहीं अभी बस ये खत्म ही है। यहाँ पर हम बस इसको टेस्टिंग करना है API वगैरह, बस सारा सेटिंग कर लेंगे। हमने एक्टिवेट लिखा स्लैश एक्टिवेट, जो URD मिलेगा वह, जो टोकन मिलेगा वो जो ईमेल पे जाएगा उसके थ्रू ये मिल जाए। इसके बाद हमें सेंड एक्टिवेशन ईमेल, तो ये एक्टिवेशन ईमेल सेंड करने के लिए, अगर आप क्या एक्टिवेशन ईमेल आप सेंड करना चाहते हैं, ये URL है। एक्टिवेशन URL हमारा कैसे बनेगा वह यहाँ पर लिखते हैं। एक्टिवेशन ईमेल क्या आपको भेजना है, तो मुझे भेजना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको सर्च तो कर लो मैं कहाँ पर है ये, देखिए ये वाला सेंड एक्टिवेशन ईमेल, तो आपको ये करना है और इसका ट्रू या फॉल्स होता है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है। तो क्रिएट एन अकाउंट, जब अकाउंट क्रिएट किया जाएगा तब ईमेल भेजा जाएगा, और जब ईमेल को अपडेट किया जाएगा तब ईमेल भेजा जाएगा। तो दो बार ईमेल भेजा जाएगा, मतलब दो जगह पर ईमेल, दो केसेस में ईमेल भेजा जाएगा। इसको ट्रू करते हैं, अभी ईमेल भेज दे। ईमेल भेजने के बाद जब वो एक्टिवेशन करेगा तो क्या आप उसको कंफर्मेशन ईमेल देना चाहते हैं, हाँ रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन एंड पॉइंट विल सेंड कंफर्मेशन ईमेल टू यूजर, ये चाहिए। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, कोड के साथ ही नहीं आता वही, और यहाँ ट्रू। इसके बाद पासवर्ड चेंज ईमेल कंफर्मेशन, क्योंकि पासवर्ड जब चेंज करे तो उसके लिए भी ईमेल कंफर्मेशन आना चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मिल जाता है ये वाला पासवर्ड चेंज ईमेल कंफर्मेशन, ये भी ट्रू पे हमें करना है। यहाँ पर आइए और इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर ट्रू लिखते हैं। जब भी इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट और है जो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको वहाँ से दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए पासवर्ड रिसेट कन्फर्म ईमेल, ये पासवर्ड रिसेट कन्फर्म ईमेल के लिए ये आपको करना पड़ेगा, अकाउंट रिसेट कन्फर्म पासवर्ड। ये URL आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, फ्रंट एंड का देख के आपको चेंज करना है ये लिखना है। अभी ये तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है, बट इसका आपको फ्रंट एंड से देख के करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पासवर्ड रीसेट, देखिए यहाँ पर पासवर्ड रीसेट कन्फर्म URL, तो इस वाले पे ये वाला लिखा था, अभी के लिए यही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाद में आप फ्रंट एंड से जब होगा तो आप चेंज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ इसको इस वाले से, ठीक है, ये बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे। उसके बाद ये पासवर्ड रीसेट कन्फर्म URL आपका किस तरीके से होगा वह आप यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद सेट पासवर्ड रीटाइप, जब पासवर्ड को रीसेट सेट किया जाएगा तो उसमें रीटाइप आना चाहिए, कन्फर्म और री कन्फर्म इस तरीके से। फिर पासवर्ड रीसेट शो ईमेल नॉट फाउंड, जब पासवर्ड रीसेट कोई करने के लिए ज़्यादा है, कोई एक ऐसा ईमेल लिखता है जो कि नहीं है, उस केस में उसको दिखना चाहिए कि ईमेल नॉट फाउंड, तो वह भी दिखेगा अगर आप इसको ट्रू करेंगे तब। और ये टोकन मॉडल आपको नल लिखना पड़ता है,
जिससे कि यूजर को डिलीट किया जा सके, वरना ये डिलीट नहीं होगा अगर आप इसका नॉन नहीं करेंगे, नन नहीं करेंगे उस केस में। इसके अलावा आपको सीरियलाइजर यहाँ पर मैंशन करना पड़ेगा अपने आप, अभी जो आपने क्रिएट किया उन सीरियलाइजर्स को, उसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है आपको सीरियलाइजर। ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, वैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। और भी बहुत सारे फील्ड हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं, बिकॉज मेरे लिए काम का नहीं था। जैसे कि यूजर नेम रिसेट कन्फर्म, अगर आपको यूजर नेम सेट कर रिसेट करवाना, जैसे कि ईमेल आप चाहते हैं कि यूजर चेंज कर सके, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर मैंने चाहता कि ईमेल चेंज हो, वरना ईमेल चेंज होने से क्या हो सकता है कि कोई अगर किसी और ने एक्सेस ले लिया तो वो ईमेल चेंज कर लेगा। सो ईमेल एक बार आपने डाल दिया तो डाल दिया, या तो वो डिलीट होगा या फिर वो रहेगा मेरे से वैसे, लेकिन चेंज नहीं हो सकता, तो थोड़ा सिक्योर फील होगा। उसके अलावा बहुत सारे फील्ड हैं यहाँ पर, देखिए पासवर्ड, यूजर रीसेट कन्फर्म, रीटाइप, बाद दो बार आपको यूजर नेम जब रीसेट करेंगे तो दो बार आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस, सीरियलाइजर में हमें आना है और यहाँ पर हमें सीरियलाइजर का काम करना है। तो सीरियलाइजर में बहुत सारे सीरियलाइजर है, जैसे एक्टिवेशन का ये वाला सीरियलाइजर उन्होंने बना के हमें दिया हुआ है, पासवर्ड रीसेट का दिया हुआ है, पासवर्ड रीसेट कन्फर्म, रीटाइप, सेट पासवर्ड और ये सब दिया हुआ है। तो हम लोग अगर यहाँ पर जाते हैं, हमें हमें अपना खुद का करना है, तो आपको सीरियलाइजर से यहाँ पर लिखना है, ये कोट के अंदर लिखना होता है, एंड कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। और इसमें हम लोग ओवरराइड करेंगे किस किस को, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मतलब ओवरराइड करेंगे यूजर को, बिकॉज हमने हमने अपना खुद का यूजर बनाया हुआ है और एक यूजर क्रिएट को, बस ये दो चीजें हमें अपनी खुद की बनानी है, बाकी मतलब खुद का ओवरराइड करना, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ इसको, यूजर क्रिएट ये वाला, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पर देखिए इसने जोशर वाला यूज किया, बट हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, अकाउंट डॉट सीरियलाइजर्स ये वाला, और इसमें जो यूजर क्रिएट सीरियलाइजर है वह यूज करना है, ये यूज करेगा। इसके अलावा यूजर को रिट्रीव करने के लिए एक यूजर सीरियलाइजर होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसी का यूज करेंगे, सेम उसी का। इसके अलावा डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट वाला ही यूज करेंगे, डिलीट करने के लिए हम डिलीट वाला ही यूज करेंगे, मतलब जोशर का जो रहता है वही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें इसको मेंशन कर देना चाहिए, यहाँ पर हम उसको मेंशन कर देते हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये अकाउंट का है, ये अकाउंट का है, बट ये जोशर वाला ही है डिलीट करने के लिए। ठीक है जी, तो ये हो गया सीरियलाइजर का काम। थोड़ी सी सेटिंग JWT के लिए भी कर लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमने एक ही सेटिंग किया हुआ है, और भी बहुत सारी सेटिंग होती है, वह मैं आपको दिखाता हूँ। तो JWT का तो JWT की साइट पर ही आपको मिलेगा, बट यहाँ पर होना चाहिए, ये ऑथेंटिकेशन बैकएंड में चलते हैं, और कहाँ पर होगा ये देखिए, JWT एंडपॉइंट्स में यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिएगा सिंपल JWT वाले पे। ठीक है, यहाँ से आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो JWT का जो भी सेटिंग होगा यहाँ से आपको देखने को मिले, जैसे कि मुझे टाइम सेट करना है एक्सेस टोकन का और रिफ्रेश टोकन का, तो मैं दो चीजें कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, टाइम डेल्टा आपका इम्पोर्ट नहीं है, आपको टाइम डेल्टा इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर क्विकली यहाँ पर जाना है और टाइम डेल्टा इम्पोर्ट कर लेना, तो ये मैंने इम्पोर्ट कर लिया। अब वापस से नीचे ले आना, कहाँ पर, यहाँ। सो अगर आप एक्स टोकन वगैरह अगर आप चाहते हैं कि टाइम हमारा चेंज हो, मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसका टाइम रहता है वह है, ये क्या है, ये जैसा क्यों नहीं हो रहा भाई, आई थिंक क्या, ठीक है। सो अब चाहते हैं कि एक्सेस टोकन का 5 मिनट यहाँ टाइम दिया डिफॉल्ट, अब इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, फिर रिफ्रेश टोकन 1 दिन का है, इसको अब डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक रिफ्रेश टोकन को रोटेट करना चाहूँ कि जब भी कोई रिफ्रेश टोकन से इस टोकन को एक्सेस करे, मतलब रिक्वेस्ट करे नए एक्सेस टोकन के लिए, तो रिफ्रेश टोकन भी हमारा चेंज हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ ये, और ये ब्लैक लिस्ट भी आप कर सकते हैं, वैसे ये अपडेट भी ले लेते हैं, जिससे कि अपडेट से क्या होगा, अपडेट लास्ट लॉगिन से, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये लास्ट लॉगिन ये वाला फील्ड हमारा अपडेट होगा, अगर इसको नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसको अभी के लिए फॉल्स वाला ही लेके चलता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, पेस्ट किया, ये रोटेट रिफ्रेश टोकन इसको कर देते हैं ट्रू, और ब्लैक लिस्ट हमें करना है रोटेशन पे, तो इसको कर देते हैं ट्रू, और अभी के लिए फॉल्स रहने देता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि क्या होता है उसका, फिर इसको ट्रू करके भी दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ये सब कुछ बढ़िया हमारा काम कर रहा है। और अगर आप ब्लैक लिस्ट नहीं करना चाहते हैं रोटेशन के बाद, तो आप इसको हटा सकते हैं, फिर फॉल्स रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, इसको हटा सकते हैं, हालांकि ब्लैक लिस्ट करना ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, तो उसको कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए मैं हटा देता हूँ इसको, इतना रखते हैं, बस रोटेट करवा लेते हैं। तो सारे सेटिंग्स मुझे लगता है कि हो गया है, अभी कुछ अगर बचा होगा तो वह मैं करता जाऊँगा समय के साथ, अभी के लिए इतना ही है। अब हमें बस बैकएंड्स को हिट करना सीखना है, उसके लिए हमें पोस्टमैन की आवश्यकता पड़ेगी, तो पोस्टमैन में आइए, और काफ़ी समय हो चुका है इसमें, और यहाँ पर एक कलेक्शन बनाते हैं नया, तो नया कलेक्शन का नाम रखते हैं डी जोशर, और ये रखा, एक नया रिक्वेस्ट बनाते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन से दिखाऊंगा, तो रजिस्ट्रेशन ये रजिस्ट्रेशन का हो गया, इसमें ये पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा, तो यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन इसका जो URL होगा वह क्या होगा, वह होगा हमारा यहाँ पर, क्या होगा इसका URL यहाँ पर, आप आइए यहाँ पर से आपको दिखेगा, देखिए ये पहले तो 127 ये वाला हमारा पूरा का पूरा होगा, इसको आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब इसका जो एंड पॉइंट है वह कहाँ से मिलेगा, एंड पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ से, ये तो रहने देते हैं, यहाँ पर आते हैं, एंड पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा, बेस एंड पॉइंट्स, तो यूजर क्रिएट करने के लिए ये वाला एंड पॉइंट बना हुआ है, इसको कॉपी कीजिए, रजिस्ट्रेशन का ही है या क्रिएट का ही है, बात एक ही है, यहाँ नहीं आना, पोस्टमैन में आना है और यहाँ पर यूजर लिखना है, तो स्लैश यूजर, दो बार स्लैश हो गया, एक बार काम कर देते हैं। अब ये कहता है कि इसमें आपको क्या क्या देना पड़ेगा, ये तो ये पोस्ट मेथड होगा,
ठीक है। फिर यूजर नेम फील्ड यानी कि ईमेल देना पड़ेगा, और जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो देने पड़ेंगे, पासवर्ड और री पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। तो चलिए देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं कि कैसे आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो आपको आना है पोस्टमैन पे, यहाँ से आप आइएगा बॉडी पे, और यहाँ से रॉ में आना है, यहाँ से आपको करना है जेसन, और यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर लिखते जाइए सारा कुछ। जैसे ईमेल देना है, ईमेल दिया, और ईमेल जो भी आपका वो आप ईमेल यहाँ पर लिखेंगे। एक वैलिड ईमेल देते हैं ताकि हमारा एक्टिवेशन यूआरएल वगैरह भी जाता है, यानी वो भी हमें चेक करने का मौका मिलेगा। तो हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, उसके बाद कॉमा, और क्या यहाँ पर कह रहा है, जो रिक्वायर्ड फील्ड है वह। तो ईमेल मेरा रिक्वायर्ड था, एक इज एडमिन रिक्वायर्ड है, बट उसका वैल्यू हमने दिया हुआ ऑलरेडी फॉल्स में, तो वो फॉल्स में जाएगा। पासवर्ड और री पासवर्ड और एक नेम हमें देना है, तो यहाँ से हम लोग नेम दे देते हैं, नेम, और नेम मैं देता हूँ यहाँ से मुझे राज दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पासवर्ड छोटा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये बड़ा वैसे होता तो है, कहीं से लॉग इन कर नहीं पाए थे, यहाँ से बड़ा होता पता नहीं, ये बात देख लेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग पासवर्ड देते हैं यहाँ पर, कोई एक अच्छा सा पासवर्ड देते हैं, हेलो 6 ये पासवर्ड दिया। और यहाँ पर री पासवर्ड करके एक फील्ड होता है, जैसे आपको पासवर्ड को रीटाइप करना पड़ता है, तो वह यहाँ पर ले देते हैं हेलो। ये और ये पासवर्ड दोनों सेम रहना चाहिए, ध्यान रहे, वरना आपको यहाँ पर एरर वगैरह भी मिलेगा बैकएंड से, ठीक है। तो ईमेल नेम पासवर्ड और री पासवर्ड दे दिया हमने, और इसमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ। सिंपली सेंड में क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है। एरर कह रहा है कि पेज नॉट फाउंड, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, पेज नॉट फाउंड बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि ये सिंपल इस तरीके से यूआरएल पर नहीं होगा, हमने यूआरएल इसका चेंज किया हुआ है अपने तरीके से। क्या लिखा है हमने? लिखा हुआ है कि /API/auth/user इस तरीके से होगा, तभी हमारा ये एंड पॉइंट इसका मिलेगा, या फिर JWT का मिलेगा। सो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा इसको, इस तरीके से लिखने हो जाएगा, लिखना /API/auth/users। अब हमारा ये काम करना चाहिए, अभी सेंड में क्लिक करते हैं, और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ईमेल जाएगा हमारे ईमेल आईडी पे। देखिए ये हमारे रिटर्न कर रहा है, राज इज एडमिन फॉल्स हो गया, ईमेल जो था हुआ, और ID 1। ये अगर प्रीटी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपका जो डेटा है वो आपको रिटर्न होकर मिल जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये हमें डेटा रिटर्न कर दिया जो हमारा हुआ हुआ। इसके साथ ही हमें एक ईमेल भी मिला होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ईमेल आ गया ऑटोमेटिकली, बट ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका टैम्पलेट अलग से क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि टैम्पलेट कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं ईमेल का, लेकिन फिलहाल के लिए ये आता है। और एक्टिवेशन ईमेल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यूआई हमारे पास है नहीं, तो ये इस तरीके से दिखेगा, बट एक्टिवेशन आप कर सकते हैं। एक्टिवेशन का क्या किस तरीके से करेंगे आप यहाँ पर टेस्टिंग, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक नया बनाते हैं यहाँ पर, एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, और इसका नाम रखेंगे हम लोग एक्टिवेशन, अकाउंट एक्टिवेशन, अकाउंट एक्टिवेशन ये बनाया। अभी यहाँ पर ये पोस्ट रिक्वेस्ट लेगा, कौन सा रिक्वेस्ट लेता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया, अब एक्टिवेशन के लिए, यूजर एक्टिवेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, /activation इस पर हिट करना पड़ेगा। पोस्ट मेथड के साथ आपको यूआईडी देना है, टोकन देना। यूआईडी देखिए आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये वाला यूआईडी है और ये वाला पूरा टोकन है, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का। अरे भाई इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, अभी कर लेते हैं और नोटपैड में दिखाता हूँ। देखिए ये वाला पूरा हो गया, अभी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का आपका ये जो यूआरएल है, ये वाला हमारा यूआईडी हो गया और ये पूरा हमारा टोकन हो गया। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको रखते हैं अभी और वापस से यहाँ पर आते हैं और इस यूआरएल पे काम करेंगे। सो यहाँ ये पोस्ट इस वाले को पूरे कॉपी कीजिए और यहाँ पर चिपकाइए, यहाँ पर बस चेंज करना है यूजर ऑथ, यहाँ से ऑथ तक सेम रहेगा, ये हमारा बेस यूआरएल है, इसको सेटअप कर सकते हैं बेस यूआरएल को कहीं पर, बट उतना भी हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग सिंपली यहाँ आएंगे और इस वाले को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया यहाँ पर से, देखिए एक हमारा स्लैश ज्यादा हो गया, इसको हटाते हैं और हमें बॉडी में आना है, रॉ में आना है, और यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करना है। क्या क्या प्रोवाइड करना है? यूआईडी प्रोवाइड करना है, और ये जेसन हमें कर देना है यहाँ से, यहाँ से कहाँ गया भाई, यहाँ से यूआईडी देंगे और फिर एक टोकन देंगे, टोकन में लिख देता हूँ। ये दूसरी में देनी, तो दूसरी में मिलेगी कहाँ से? जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हिट करेंगे, जैसे इस पे आप हिट करेंगे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। जैसे MQ इसका UID हो गया, और यहाँ ये, और UID में ये MQ लिख दीजिए, उसके बाद ये टोकन है पूरा का पूरा, स्लैश के बाद का पूरा टोकन कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पोस्टमैन पे आना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, बस ये दो चीज़ें दीजिए और इसको सेव कर लेते हैं और सेंड में क्लिक कीजिए। अगर टोकन ये वाला सब वैलिड रहा तो हमारा एक्टिवेशन हो जाएगा, यूजर एक्टिवेट मतलब हो जाएगा। देखिए हमारा आ रहा है 204 नो कंटेंट स्टेटस। अभी इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, विजुअलाइज इससे कुछ है नहीं यहाँ पर, लेकिन आपको एक ईमेल मिल गया होगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। देखिए योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ये जो ईमेल आप देख रहे हैं इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपका यूजर क्रिएट हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आपका हो चुका है। अब अगर आपको रीसेंड का फीचर देना था आप ये भी कर सकते हैं रीसेंड के लिए, बट ये मैं कर नहीं रहा। अभी यूजर का डेटा अगर आपको रिट्रीव करना है तो आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ इसी एक एंड पॉइंट पे आपको क्या क्या मिलता है, डेटा गेट करना है तो गेट के साथ लगाएंगे, अगर कम्प्लीटली अगर अपडेट करना है तो पुट के साथ, अगर पार्शियली करना है तो पैच के साथ। तो इसी एक एंड पॉइंट पे तीन काम होगा, एक तो रिट्रीव होगा और अपडेट हो सकता है फुल्ली या फिर पार्शली, तो ये करके दिखाओ। चलिए चलते हैं पोस्टमैन पे, और कुछ खास काम बचा नहीं है, ठीक है, बस यही हमें करना है अब।
बाकी दिन भर। तो यहाँ पर आते हैं, एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, इसी में से किसी को कॉपी कर लूँ क्या, इसको कॉपी करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट किया, यहाँ पर इसको रीनेम कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा गेट यूजर डेटा, गेट यूजर डेटा ये हमने किया, और इसमें गेट रिक्वेस्ट होगा, और ये ऑथ यूजर स्लैश मी स्लैश लास्ट में देना नहीं बोलना है, लेकिन यहाँ पर इसी में मैंने लिखा यूजर स्लैश मी, इसमें गेट लिखना है और कुछ नहीं, कुछ भी रिक्वेस्ट भेजना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए और कुछ तो भेजना पड़ेगा, इतना ऐसे कैसे होगा। तो ये हमने अगर लिखा, और यहाँ पर क्या इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आप गेट रिक्वेस्ट कीजिए और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा यूजर नेम फील्ड और पीके और रिक्वायर्ड फील्ड मिलेगा, रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं भेजना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं अगर इसको करके, अगर मैं इसमें सेंड में क्लिक करूँ, ये मिलता है ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वेयर नॉट प्रोवाइडेड। तो ये ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, उससे उससे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन कैसे करते हैं वह देख लीजिए, तो इसी को करते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट किया और यहाँ पर लॉग इन, लॉग इन में आपका जाएगा पोस्ट, और लॉग इन का क्या एंड पॉइंट है वह देखना पड़ेगा। तो अभी लॉग इन में आते हैं, यूजर डिलीट सेट लॉग इन, आई थिंक JWT से होगा, यहाँ से नहीं होगा, JWT वाले पीछे एंड पॉइंट पे चलते हैं यहाँ पर। और ये जो देख रहे हैं यूज दिस एंड पॉइंट टू ऑब्टेन JWT यानी कि टोकन ऑब्टेन करने के लिए, तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे, इसी से हमारा हो जाएगा। अभी इसमें पोस्टमैन पे आइए, और यहाँ से ये हटाना, ये लिखना है पोस्ट रिक्वेस्ट पे होगा, और इसमें आपको देना पड़ेगा यूजर नेम फील्ड और पासवर्ड। तो यूजर नेम फील्ड हमारा क्या है ईमेल, तो वह देना पड़ेगा, और पासवर्ड तो यहाँ पर आइए, कहाँ पर आना है बॉडी पे, और ये ईमेल है पासवर्ड है, ये री वाला हटा देते हैं और ये हटा देते हैं, तो ये लिखना पड़ जाएगा, यहाँ पर कॉमा हटा देते हैं, बस ये लिखना है, और सिंपली सेंड में क्लिक कीजिए, और इसे हमें टोकन मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा भाई, क्या हमें देख के रहिए। व्यू में करते हैं पेज नॉट फाउंड ऑथ API ऑथ, ओके एक स्लैश ज्यादा हो गया यहाँ पर, अभी वापस जाते सेंड में क्लिक कीजिए, और देखिए रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन दोनों ही मिल गया। अब चूंकि हमें एक्सेस टोकन मिल गया है, तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूजर को, इसको एक्सेस को कॉपी कीजिए और गेट यूजर डेटा में जाइए, और यहाँ पर आपको हेडर में जाना है, और यहाँ पर ऑथराइजेशन देना पड़ेगा, तो ऑथराइजेशन, और यहाँ पर लिखना है JWT, और फिर आपका जो टोकन है वह आपको लिखना है, ये लिखिए और सेंड में क्लिक कीजिए। देखिए आपको आपका डेटा मिल गया, तो गेट यूजर डेटा के लिए आपको ऑथराइजेशन JWT के साथ आपका टोकन आपको पास करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए, जब फ्रंट एंड बनाएंगे तब ये सारी चीजें बहुत काम आएगी कि किसके साथ क्या पास करना है, ऑथराइजेशन में ये सब ध्यान में रखनी होती है। तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक्टिवेशन देखना है, यहाँ पर एक्टिवेशन देखना है, एक्टिवेशन के बाद आपको लॉगिन देखना है, उसके बाद आपको गेट यूजर डेटा लिख, तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया। अभी इसके बाद और क्या देखना है, एंड पॉइंट में आते हैं, यहाँ से पता चलेगा क्रिएट रिफ्रेश यूज दिस पॉइंट टू रिफ्रेश JWT का। अगर आपको रिफ्रेश टोकन नया लेना है, मतलब रिफ्रेश टोकन से अगर आप एक नया टोकन एक्सेस टोकन लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये जो एक्सेस टोकन है इसकी वैलिडिटी है कितनी, ये जो एक्सेस टोकन आपको लॉगिन से मिला इसकी वैलिडिटी कितनी 10 मिनट है, मान लीजिए 10 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो नेट एक्सेस टोकन आपको चाहिए अगर नया, तो इस रिफ्रेश टोकन से आप नया एक्सेस टोकन मंगवा सकते हैं वापस से। तो वह कैसे करेंगे वह दिखाता हूँ, इसके लोग यहाँ पर आते हैं, नहीं इसी को कॉपी करते हैं ना, इसको कॉपी करें, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा तो इसको कर लेते हैं, नहीं इस पे अकाउंट एक्टिवेशन नहीं, आई थिंक इसी को कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ कहते हैं न्यू एक्सेस एक्सेस टोकन, अभी ये हो जाएगा पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर जो हमारा एंड पॉइंट होगा वह होगा, इसको मैं हटाता चलूंगी रजिस्ट्रेशन को लॉग इन को इसको यहाँ, सो इसका क्या एंड पॉइंट होगा, इसका एंड पॉइंट होगा ये वाला JWT रिफ्रेश, इसमें हमें रिफ्रेश टोकन देना पड़ेगा, और ये बदले में हमें देगा एक्सेस टोकन। सो यहाँ पर आइए तो पेस्ट करते हैं, एक स्लैश ज्यादा हो गया तो इसको कम कर लेना है, उसके बाद लॉग इन खोलना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा हमें रिस्पॉन्स चाहिए होगा हमें, इसमें सेंड में क्लिक करते हैं, बिकॉज हमें रिफ्रेश टोकन चाहिए ना नए एक्सेस टोकन के लिए, तो इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, तो आप बॉडी में आइए और यहाँ पर आपको ये हटाना है रिफ्रेश, और सिंपली ये लो पेस्ट कर दीजिए, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो यहाँ पर हमें एक्सेस टोकन एक रिस्पॉन्स के तौर पर देगा, देखिए एक्सेस टोकन दे रहा है और रिफ्रेश टोकन भी हमारा नया आ रहा है, अगर ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो ये वाला ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, और ये वाला नया वाला हमारा अब आगे यूज होगा, फिलहाल के लिए मैंने ऐसा किया नहीं है। और आप चाहें तो सिर्फ एक्सेस टोकन ही मंगवा सकते हैं रिफ्रेश हटा के, तो ये सारा ऑप्शन भी दिया हुआ है, बट वह नहीं देखते हैं, तो हो गया लॉगिन नहीं देते हैं, नया एक्सेस टोकन कैसे मंगवाना है वो भी मैंने देख लिया, इसको यहाँ पर लगा देता हूँ इसके ऊपर में, ओके। अब इसके बाद और क्या चाहिए, वेरीफाई करने के लिए ये है, बट वेरीफाई हमें यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के और भी बहुत सारे तरीके, टाइम आप चेक कर सकते हैं एक्सेस टोकन का कि टाइम एक्सपायर हो गया क्या, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो ये हो गया, अभी बेस एंड पॉइंट वापस आते हैं, ये क्रिएट हमने देख लिया था, एक यूजर एक्टिवेट देख लिया, रिसेंट नहीं करना है, यहाँ अपडेट देख सकते हैं, डिलीट देख सकते हैं, और चेंज पासवर्ड वगैरह, रिसेट पासवर्ड वगैरह बहुत कुछ बाकी है भाई, और मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, कि कोई नहीं इसको खत्म करके ही मुझे यहाँ से जाना है, अभी यहाँ तक ये हो गया, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज, इसका कोई खास काम है नहीं। अपडेट यूजर डेटा पे आते हैं, एक नया अपडेट के लिए बनाते हैं, अपडेट करने के लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर देखो मैं यूजर डिलीट नहीं, यहाँ पर इसी सेम एंड पॉइंट पे आपको पुट करना है या फिर पैच करना है, मुझे पैच करना है, बिकॉज सिर्फ नाम अपडेट करेंगे, तो फील्ड्स टू अपडेट, जो भी फील्ड आपको अपडेट करना है वो आपको देना पड़ेगा, और साथ में आपको टोकन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए और इसको कॉपी करते हैं,
इसको डुप्लीकेट कर दें, डुप्लीकेट किया और यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अपडेट यूजर डेटा, और ये हमारा सेम रहेगा, बस यहाँ पर हमें ये चेंज करके पैच कर देना है, और हमारा यहाँ पर ऑथराइजेशन में जो भी हमारा नया होगा वह हमें करना है। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार लॉग इन करवा लेता हूँ, लॉग इन करते हैं, नया एक्सेस टोकन हमें मिल जाएगा, और ये जो नया एक्सेस टोकन है बस ये हमें यहाँ पर चिपकाना है, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, इसको सेव करते हैं, और फिर बॉडी में देना कि क्या आपको अपडेट करवाना है। तो मुझे अपडेट करना है सिर्फ नेम, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, और इसको पासवर्ड वगैरह हटाइए, सिर्फ नाम, तो राजेश, राज से राज कुमार कर देता हूँ, और ये सिर्फ नेम हम लोग दे रहे हैं कि इसी को अपडेट करना है, इसलिए तो मैंने पैच यूज़ किया हुआ। ये किया, टोकन दे ही दिया है, अभी सेंड में क्लिक करते हैं, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हमारा ये अपडेट हो जाएगा। देखिए हमारा ये अपडेट राजकुमार हो गया, इसको वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से भी, अगर आप यूज़र गेट करेंगे। गेट करने के लिए आपको यहाँ पर पहले टोकन चेंज करना पड़ेगा, ये टोकन मैंने चेंज किया, अगर आप गेट करेंगे तो आपको नए नाम के साथ आपका डेटा देखने को मिले, किसी के साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो पैच का काम हो गया हमारा। अब देखते हैं चेंज पासवर्ड, तो चेंज पासवर्ड करने के लिए भी आपको इसी तरीके से कुछ जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पर बस नाम इसका चेंज कर देंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, ये पैच नहीं होगा, मैं समझता हूँ इसका पोस्ट होगा, और इसका एंड पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। तो ऊपर से अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये क्रिएट का था, एक्टिवेट का, रिसेंट का, यूज़र, डिलीट, सेट यूजर नेम, उसके बाद रीसेट यूजर नेम कहाँ है भाई, चेंज सेट पासवर्ड, ये रहा। तो यूज़ दिस एंड पॉइंट टू चेंज यूजर पासवर्ड, और उसके लिए ये एंड पॉइंट है, तो बस इसको कॉपी कीजिए, और यहाँ यहाँ नहीं आना, यहाँ आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना, ये हो गया। अब इस पे क्या क्या हमें देना है, इसमें हमें देना है री न्यू पासवर्ड इज ओनली रिक्वायर्ड फील्ड, सेट पासवर्ड रीटाइप इज ट्रू, अगर आपने सेट पासवर्ड रीटाइप अगर ट्रू किया होगा तो ये आपको देना पड़ेगा, तो हमने किया हुआ था तो हमें देना पड़ेगा। पोस्ट रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड रहेगा, ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर देनी है, एक न्यू पासवर्ड, फिर रीटाइप करना न्यू पासवर्ड, और एक करंट पासवर्ड देना, चलिए क्विकली इसको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आइए और बॉडी, बॉडी में देखिए ऑथराइजेशन, आपका ऑथराइजेशन यहाँ पर रहना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, हेडर में, तो यहाँ पर ऑथराइजेशन ये जो आपका रहेगा ये रहेगा, बिकॉज ये लॉग इन होने के बाद ही पासवर्ड चेंज होता है, तो ये अब जो आपका है ये, अगर अगर ये नहीं हुआ होगा एक्सपायर तो आपको ये रखना पड़ेगा, ये टोकन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, टोकन रखिएगा जरूर, वरना आपका काम नहीं करेगा। और यहाँ पर सिंपली आके आपको लिखना है न्यू पासवर्ड, और न्यू पासवर्ड क्या देंगे, हेलो 123 एट सिंबल, उसी तरीके से यहाँ पर री न्यू पासवर्ड, री न्यू पासवर्ड ऐसे लिखना है, यहाँ पर कॉमा दीजिए, और यहाँ पर पासवर्ड कॉमा दीजिए, और यहाँ पर एक करंट पासवर्ड का हमें बनाना है, यहाँ पर एक करंट पासवर्ड, करंट पासवर्ड, और करंट पासवर्ड क्या है हमारा 123456, तो 3 का लिखा है 456, और यहाँ पर ये हटा देना। ये जो फील्ड्स में नाम लिखता हूँ वह मैं यहाँ से देख के लिखता हूँ, न्यू पासवर्ड, री न्यू पासवर्ड, करंट पासवर्ड, ये सेम स्पेल का होना चाहिए वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है जी। तो इसको सेव किया, और सेव करने के बाद इसमें सेंड में क्लिक कीजिए, और सेंड में क्लिक करने के बाद अगर आपका सही रहा तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। देखिए ये हमारा 204 का दे रहा है, अभी हम लोग लॉग इन करते हैं पुराने वाले पासवर्ड से, देखते हैं लॉग इन होता ही है नहीं, और देखेंगे अगर नो अकाउंट, अभी नया पासवर्ड जो हमारा चेंज हुआ उससे लॉग इन करते हैं, ऐड सिंबल देके, ऐड सिंबल देके, तो ऐड सिंबल दिया, लेकिन सेंड में क्लिक करते हैं, ये लॉग इन हो जाता है। आपको एक ईमेल भी मिला होगा यहाँ पर, पासवर्ड चेंज होने पर एक ईमेल आता है, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुल, तो पासवर्ड चेंज कैसे करना है वो भी हमने देख लिया, और पासवर्ड रिसेट का ईमेल कैसे भेजते हैं वो देखिए, फिर पासवर्ड रिसेट कैसे करते हैं वो देखिए। तो रिसेट पासवर्ड, यूज दिस इन पॉइंट टू सेंड ईमेल टू यूजर विद पासवर्ड रिसेट लिंक, तो चलिए रिसेट करवाते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और इसको सेव करके रखते हैं, और यहाँ से रिसेट करवाने के लिए किसी एक को कॉपी, पोस्ट वाले को किसी को एक कीजिए, देखिए रिसेट में क्या लगेगा, ईमेल लगेगा तो पोस्ट ही जाएगा, तो मैं इस वाले को डुप्लीकेट, लॉग इन वाले को डुप्लीकेट किया, इसको सबसे नीचे ले गया, ये नीचे क्यों नहीं आया भाई, नीचे अभी इसमें एडिट करते हैं, इसमें लिखते हैं रीसेट पासवर्ड, और इसका क्या एंड पॉइंट रहेगा, ये एंड पॉइंट बनेगा इसका, इसका कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ ये, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और इसमें देना है ईमेल, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये नो कॉन्टेंट ई पासवर्ड रीसेट शो ईमेल नॉट फाउंड इज फॉल्स, अदरवाइज ईमेल फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस दिस, ईमेल फील्ड एक देना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करना है, और हमारा काम हो जाना चाहिए। तो किस ईमेल के लिए रिसेट करना है, किस ईमेल के लिए रिसेट करना है भाई, तो रिसेट करना है हमें यहाँ पर ऑथराइजेशन वगैरह नहीं देना है, इसमें कोई भी हेडर वगैरह पास नहीं होता, सिर्फ बॉडी पास करना होता है ईमेल, तो हमें ईमेल यही वाला रिसेट करवाना है, इसके लिए ईमेल जाएगा सिर्फ, ठीक है। और इसमें से पोस्ट है, सेंड में क्लिक कीजिए, और 204 स्टेटस कोड आएगा, देखिए 204 का आ गया, और रिसेट पासवर्ड लिंक चला गया होगा ईमेल में, देखिए एक ईमेल आया यहाँ पर, पासवर्ड रीसेट ऑन दिस, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक ई वाला लिंक जिसमें क्लिक करके आप रीसेट कर सकते हैं, ये रीसेट कैसे करेंगे वह आपको अब आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए एंड पॉइंट यहाँ पर होगा कि पासवर्ड रीसेट कन्फर्मेशन, इसके लिए इस एंड पॉइंट पर आपको हिट करना पड़ेगा जिसमें आप यूआईडी देंगे, टोकन देंगे, न्यू पासवर्ड और री न्यू पासवर्ड, तो यूआईडी और टोकन आपको यहाँ से मिल जाएगा इसी ईमेल में जो आया है उससे, इसे एक्टिवेशन का था बिल्कुल वैसे ही, और नया पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, पोस्ट मेथड इसमें लगेगा, तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से तक का कॉपी किया, और आते हैं यहाँ पर करके, यहाँ पर एक नया रिक्वेस्ट बनाइए, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, और उसका नाम चेंज कर देते हैं पासवर्ड रीसेट कन्फर्मेशन, उसके बाद यूजर यहाँ से कुछ इस तरीके से, यूजर रीसेट पासवर्ड कन्फर्म,
और बॉडी में आना है, बॉडी में आकर क्या क्या देना है, एक यूआईडी देना है, उसके बाद तो इसको मैं डाल देता हूँ, यूआईडी देना है। यूआईडी देने के बाद यहाँ पर आपको देना है, यूआईडी दिया, अभी इसमें क्या देना है, एक टोकन, कॉमा नहीं दिया ना इसमें, इसलिए आ रहा। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है एक न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, उसके बाद रीन्यू पासवर्ड, रीन्यू पासवर्ड, ये सारी चीजें दे दी। अभी हम लोग वापस से आते हैं अपने इस जगह पे और एक एक करके सब कुछ दे दें। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा यू आई डी, यहाँ ये, और यू आई डी चिपकाइए। उसके बाद यहाँ हमें मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा टोकन, यहाँ से कॉपी किया, और फिर यहाँ से टोकन और पासवर्ड हम लोग अपना कुछ दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ जय हो 123, और यहाँ पर भी जय हो 123। ये हमारा पासवर्ड रिसेट करके नया पासवर्ड हमारा सेट कर देगा। सेंड में क्लिक करते हैं, अगर सब कुछ बढ़िया रहा पोस्ट मेथड के साथ, ये जा रहा है कन्फर्मेशन के लिए और हमारा ये चेंज हो गया। चेंज होने के साथ ही आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपको एक ईमेल मिला होगा कि आपका पासवर्ड रिसेट हो चुका है, योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज। अब अगर पुराने पासवर्ड से ये लॉगिन करेगा तो नहीं हो पाएगा, लॉगिन में चलते हैं। ये वाला पासवर्ड है पुराना, लॉगिन करे तो ये नहीं हो पाएगा, यहाँ पर नया पासवर्ड देंगे हम लोग, ये लॉगिन हो पाएगा। नया पासवर्ड क्या है हमारा, जय हो 123, और सेंड में क्लिक करते हैं। देखिए ये लॉगिन हो गया और रिसेट हमारा काम कर रहा है, कन्फर्म रिसेट भी काम कर रहा है सही तरीके से। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब बाकी क्या बचा, डिलीट, डिलीट करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन के बाद ही डिलीट होता है, हमें टोकन की आवश्यकता पड़ेगी उसमें। तो डिलीट करने के लिए लोग किसी एक को ले सकते हैं, इस वाले को ले सकते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको नीचे लेकर आता हूँ पहले, और यहाँ पर सिंपली डिलीट करते हैं। यहाँ से इसको चेंज करना है डिलीट पे, और इसका नाम चेंज कर देते हैं ना, डिलीट अकाउंट, डिलीट अकाउंट यहाँ रह गया। अब इसका क्या है वह देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है, और डिलीट वाला कहाँ पर है, इसके नीचे देखिए, इसमें नीचे कुछ है नहीं, हमने पासवर्ड रिसेट कन्फर्मेशन देख लिया, रिसेट देख लिया, सेट पासवर्ड देख लिया, यूजर नेम कन्फर्म करना था नहीं, रिसेट करना था नहीं, ये जो दो चीज़ें नहीं की हमने, यूजर डिलीट यहाँ पर है। तो बस इसको कॉपी करना है और डिलीट मेथड लगाना है और साथ में करंट पासवर्ड देना है। तो यहाँ पर आइए और यहाँ से पेस्ट कीजिए और करंट पासवर्ड देना है ना, और आपको हेडर भी पास करना पड़ेगा ऑथराइजेशन वाला। ये तो करंट पासवर्ड आपको देना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा करंट, करंट पासवर्ड, और करंट पासवर्ड क्या है हमारा, जय हो 123। ठीक है, हमें टोकन चाहिए होगा तो पहले लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो गया, अभी हमें एक्सेस टोकन चाहिए होगा तो इसको मैंने कॉपी किया और डिलीट में आते हैं और यहाँ पर पूरे को चिपका देंगे, पेस्ट करते हैं। यहाँ से करंट पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, सेंड में क्लिक करते हैं और ये हमारा डिलीट हो गया। अभी ये लॉगिन करेगा, लॉगिन नहीं होगा बिकॉज यूजर है ही नहीं। ठीक है जी, तो यूजर खत्म। इसमें आपको ईमेल नहीं मिलता अकाउंट डिलीशन का, वो फीचर इन्होंने रखा हुआ नहीं है, आपको अकाउंट डिलीशन का ईमेल नहीं मिला, लेकिन हमारा सारा काम हो चुका। अब अगर मैं आपको शुरू से दिखाऊं कि हमने क्या क्या देखा, तो आप देख पाएंगे कि हमने यूजर क्रिएट देख लिया, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर लॉगिन कैसे होता है JWT में, वह भी हमने देखा। यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है वो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉगिन कैसे करते हैं वह हमने देखा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद अगर आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाता है, तो दोबारा से एक्सेस टोकन चाहिए होगा, तो कैसे रिफ्रेश टोकन का यूज करके फिर से मंगवाएंगे आप, रिट्रीव करें एक्सेस टोकन, वो हमने देखा। इसके अलावा हमने देखा कि एक्टिवेट कैसे करना है अपने अकाउंट को, फिर रिसेंट नहीं देखा, आप चाहें तो इसको चेक कर लीजिएगा। फिर यूजर का डिटेल कैसे निकालेंगे, रिट्रीव कैसे करेंगे डेटा, वह देखा। अपडेट करें कैसे, वह देखा। यूजर डिलीट कैसे करेंगे, वह देखा। यूजर नेम सेट करना हमारे फीचर नहीं है, यानी कि यूजर एक बार सेट हो गया तो हो गया, मतलब ईमेल आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने यहाँ पर फीचर नहीं दिया हुआ। इसकी वजह से हमने ये नहीं देखा, ये नहीं देखा और ये नहीं देखा, तीनों साथ में एक साथ जुड़ा हुआ था, वो सब नहीं देखा। पासवर्ड चेंज का हमने यहाँ से देखा, पासवर्ड रीसेट का यहाँ से देखा, मतलब ईमेल भेजने का, फिर पासवर्ड रीसेट कंफर्म का हमने यहाँ से देखा। बस इसमें कुछ नहीं था, सारा बेस पॉइंट जो हमारा था, बेस एंड पॉइंट था जो हमने वो देख लिया। तो यही बेसिक फीचर चाहिए होता है ऑथेंटिकेशन में, और तो कुछ चाहिए नहीं होता, बस इतना आपने कर लिया, आपका प्रोजेक्ट रेडी है और कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी रहेगा इसमें क्या, इसमें बाकी रहेगा कि ये जो ईमेल हमें मिलता है, ये ईमेल आप कस्टमाइज कैसे करेंगे, ये ईमेल अगर आपको कस्टमाइज करना हो या फिर ये ईमेल अगर आपको कस्टमाइज करना तो कैसे करेंगे, वाह। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसका जो कोडिंग है, इसका जो कोड है, जोशर का जो कोडिंग है वह किस तरीके से है। तो उसके लिए आप चाहिए एडिट ऑन गिटहब पे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इसका कोड देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा कोड देखने को मिलेगा जोशर का। देखिए यहाँ पर जाइए और यहाँ पर टेम्पलेट्स ईमेल ये वाला इन्होंने, देखिए एक्टिवेशन डॉट एच टी एम एल, इस ईमेल से एक्टिवेशन का जो पूरा ईमेल आपको मिलता है, ये वाला जो ईमेल आपको मिला है एक्टिवेशन वाला, ये पूरा कोड यहाँ पर लिखा। तो यहीं पर अगर आप चेंज कर देते हैं ये सारा कोड, तो जिस तरीके का एच टी एम एल आप लिखेंगे वही आपको ईमेल में यहाँ पर दिखाई देगा। सिमिलरली यहाँ पर ईमेल के बाद अगर दिखाऊं मैं, यहाँ पर बाकी सारी चीजें जो है, जैसे कि पासवर्ड रिसेट का यहाँ पर दिया गया है, यूजर नेम चेंज का तो हमें करना नहीं है, पासवर्ड चेंज का करना है, कन्फर्मेशन का करना है, एक्टिवेशन का करना है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको एचटीएमएल बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट अपना खुद का क्रिएट करना पड़ेगा और इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, बस इतना कीजिए आपका काम हो जाए। तो टेम्पलेट हमें बनाना पड़ेगा, जोशर में आते हैं, यहाँ पर साथ में हमें ईमेल डॉट पी आई बनाना पड़ेगा, जिसमें हम मेंशन करेंगे कि कौन सा टेम्पलेट किसके लिए यूज होना है। तो इसको हमें एक बार अपने खुद का बनाना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब दो काम हमें करना पड़ेगा टेम्पलेट को यूज करवाने के लिए। ये तो ये हमने यहाँ से देखा हुआ है। अभी बाकी कोड आप इसको रिसर्च करना चाहते कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा कोड है नहीं इनका, छोटा सा कोड है और काफी अच्छा कोड। मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ,
कि टेम्पलेट कैसे आप ओवरराइड करेंगे। इसको करते हैं क्लोज, इसको क्लोज, और यहाँ पर तो अभी कुछ है नहीं, वरना आपका डेटाबेस में डेटा भी दिख जाता है अकाउंट एक्टिवेशन का, वो तो हम लोग करेंगे अभी दोबारा से एक बार, बिकॉज हमारा एंड पॉइंट बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिलेक्ट नहीं होता, बताइए क्या फायरफॉक्स में दिक्कत है या फिर जीमेल में, पता नहीं, डिलीट नहीं हो रहा। चलिए अभी आते हैं कोड में, ठीक है। तो सारा चीज़ हमने यहाँ पर देखा, देख लिया। एक लॉग आउट, आपको लग रहा हो कि लॉग आउट पर दिखा ही नहीं, लॉग आउट होता है जब कुकी में आप सेव करेंगे अपने टोकन को ब्राउजर पे, तो कुकी डिलीट कर दीजिए, लॉग आउट आपका हो गया, फिर टाइम एक्सपायर हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका इनवैलिड हो जाएगा टोकन। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है अभी के लिए फिलहाल तो मेरे पास। ओके, तो लॉग आउट का काम फ्रंट एंड से होगा, यहाँ से नहीं, ठीक है जी। तो वापस से चलते हैं कोड में, और यहाँ पर हमें क्रिएट करना है क्या, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी है, email.py इस नाम से एक फाइल क्रिएट कीजिए। उसके बाद एक फोल्डर क्रिएट कीजिए, यहाँ पर टेम्पलेट्स, टेम्पलेट बनाना है तो टेम्पलेट्स में फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके अंदर में क्रिएट करेंगे एक अकाउंट नाम से अकाउंट, और फिर इसके अंदर में सारा हम लोग क्रिएट करते जाएंगे। तो अकाउंट नाम से हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया, अभी इसके अंदर में फाइल हम लोग बनाएंगे पहले किसका, एक्टिवेशन का। तो activation.html ये बना लिया। अकाउंट के अंदर में और फाइल बनाते हैं, और हम लोग बनाएंगे कन्फर्मेशन का, confirmation.html, वहां से नाम देख लीजिएगा कि किस नाम से है, उसी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक पासवर्ड रीसेट, passwordreset.html ये बना लिया। इसके अलावा हमें चाहिए पासवर्ड चेंज होने पर जो कन्फर्मेशन ईमेल जाता है वह, तो पासवर्ड password_changed_confirmation.html, ये सारे टेम्पलेट हमने बना लिया। और ये सारा नाम मैंने आपको वीडियो दिखा था कोड, इसमें सब चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर ये एक्टिवेशन, कन्फर्मेशन, पासवर्ड चेंज, कन्फर्मेशन, पासवर्ड रीसेट, ये दो चीज़ें नहीं बनाए बिकॉज इन दोनों का हमने यूज़ नहीं किया, नहीं कि ईमेल वगैरह चेंज करने का हमने फीचर दिया हुआ नहीं है, तो ये हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं, तो इस पूरे एक्टिवेशन वाले को यहाँ से यहाँ तक उठाइए और ये पूरा कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कीजिए और इसको एक्टिवेशन वाले पे लेके जाना है, एक्टिवेशन वाला यहाँ पर आके पेस्ट कर देना, तो बस यहाँ पर ये हमारा आ गया। और इसमें आपको चेंज करना जो भी वो आप चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये सेव करने से आपका इंडेंटेशन खराब हो जाता है, जिसके साथ कोई एरर मिल सकता है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर मैं अपना वाला जो है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, CSS ही बस मैंने चेंज किया, ज़्यादा कुछ चेंज किया हुआ है नहीं, तो मैंने अपना वाला जो है वह यहाँ पर लगा दिया, बस CSS थोड़ा सा लगाया है मैंने। आप देख सकते हैं इफ़ यू फेस डिफिकल्टीज ऑन अकाउंट, ये कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, शुरू से दिखाऊं तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ये लोड, ये एज इट इज़ जैसा था इन लोगों का बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है, और हमारा जो चेंज है वो HTML में सिर्फ होगा। यहाँ पर तो कुछ स्टाइल लिखा है मैंने CSS, और कुछ चीज़ें यहाँ पर से चेंज है, और ये स्टाइल लिखा हुआ है, बटन वगैरह बनाए, इंस्टाग्राम, ये सब, ट्विटर, ये सब का आइकन हमने दिया हुआ है, और कुछ नहीं, यूट्यूब वगैरह का, और ये सब दिया हुआ है बस। एक्टिवेशन का ये हो गया, उसी तरीके से कन्फर्मेशन वगैरह का सबका मैं चेंज कर देता हूँ, ये बस HTML चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं। ये कन्फर्मेशन के लिए हो गया, उसके बाद पासवर्ड चेंज कन्फर्मेशन, देन हमारा पासवर्ड रीसेट, तो यहाँ पर पासवर्ड रीसेट के लिए ये हमारा हो गया। अभी इतना करने से काम नहीं होगा, आपको ये मैंशन करना पड़ेगा अपने इस email.py पे कि कौन सा टेम्पलेट किस क्लास पे, मतलब किस व्यू पे चलेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, जोशर से पहले ईमेल को इंपोर्ट करना है, फिर एक्टिवेशन ईमेल इस व्यू पे ये टेम्पलेट चलेगा, कन्फर्मेशन ईमेल व्यू पे ये टेम्पलेट चलेगा, और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेंशन कर दिया, तो बस आपको ये लिखना है और आपका काम हो जाएगा। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ एक्टिवेशन वाला, वो आपको देखेंगे कि आपका जो ईमेल आएगा वो कुछ अलग तरीके से, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे यहाँ पोस्टमैन में, और डिलीट तो हो ही गया, तो नया पासवर्ड यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे सेम यूजर के साथ, सेंड में क्लिक करते हैं, और ये एक्टिवेशन ईमेल भेजेगा एक, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस केस में, देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने ईमेल में, देखिए एक ईमेल आया नया, और ये ऐसा क्यों हो गया भाई, ऐसा इसीलिए आया है बिकॉज हमने इसका सेटिंग नहीं किया हुआ है, बहुत ही एक मेजर चीज़ हमने मिस किया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, इस सबको क्लोज कर देता हूँ बिकॉज इनका काम हो चुका है, इसको क्लोज की ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा ईमेल का जो है वह हमें यूज़ करना, ना कि जोशर वाला, उसके लिए सेटिंग में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको CSS सीरियलाइजर को किया था कि हमारा सीरियलाइजर अपना खुद का, इस तरीके से ईमेल के लिए भी करना पड़ेगा। तो ईमेल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ जाएंगे आप सेटिंग्स में, तो यहाँ पर आपको देखिए ईमेल मिलेगा, एक्टिवेशन के लिए ये वाला यूज़ कर रहा है ये जोशर का ईमेल ये वाला व्यू, और कन्फर्मेशन का ये वाला यूज़ कर रहा है, बट हमें इसका यूज़ नहीं करना, हमें अपना इसका देना है, यानी कि हमारा जो ये ईमेल वाला है, ये जो ईमेल हमारा अपना खुद का है ये वाला, ये हमें देना है, तो वही हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग में आया मैं और क्विकली लिख देता हूँ सभी को, थोड़ा सा टाइम कम है, मुझे जाना है कहीं, इसी वजह से कॉपी कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ईमेल लिखना है और एक्टिवेशन ये प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगा, हमारे अकाउंट का डॉट ईमेल में जो है वह यूज़ करना, यानी कि हमारे अकाउंट में email.py के अंदर जो ये वाला है वह उसको यूज़ करना, उसी तरीके से सभी के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, एक्टिवेशन, कन्फर्मेशन, पासवर्ड रिसेट, पासवर्ड चेंज, कन्फर्मेशन के लिए। अब हमारा ये काम करेगा सही तरीके से। तो आते हैं यहाँ पर और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं इसको, तो डेटाबेस में आते हैं और यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा, बट ये एक्टिव नहीं है अभी,
ये लॉग इन नहीं कर सकता, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया, अब यहाँ पर आते हैं, अब सेंड में क्लिक करेंगे और ये कह रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड। ये होता है जल्दी जल्दी में यही होता है, मतलब यहाँ पर हमने अकाउंट्स अकाउंट्स लिख दिया हुआ था, ये हटाना है, अकाउंट्स नहीं है, ये है अकाउंट। ये अब ये सही काम, अभी वापस से आते हैं, एक बार देख लेते हैं कि डेटाबेस में कहीं सेव तो नहीं हो गया, नहीं हुआ होगा, नहीं हो गया, तो यहाँ पर हम लोग बस ईमेल नहीं भेजा था बट हो गया था, तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं वापस से, अब वापस से सेंड करेंगे। सेंड में सिंपली क्लिक करना है और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हमें ये टेम्पलेट सेंड कर देगा हमारे ईमेल पे, और नए ईमेल के साथ आपको देखिए ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसी वजह से ये भेज रहा है। तो पहले डेटाबेस में आते हैं, डेटाबेस से चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको एक नया यूजर दिखेगा बट वो एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेशन लिंक आ गया होगा यहाँ पर। पहले ये पुराना वाला हमें इस तरीके से दिखाई देता बट अब नया वाला इस तरीके से दिखाई देगा। तो जिस तरीके से भी आप कोड यहाँ पर लिखेंगे अपने टेम्पलेट के लिए उस तरीके से डिजाइन आप बना सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लगाया है इंस्टाग्राम ट्विटर और लिंक्डइन वगैरह का सब कुछ, और बटन वगैरह भी मैंने बनाया हुआ एक्टिवेशन का, तो वह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर नीचे है फॉलो करके सब, और यहाँ पर एक्टिवेशन का बटन है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो इससे हमारा कन्फर्मेशन वाला ईमेल ये चलता है। तो इसके लिए जो आपको कोड लिखना है वो फ्रंट एंड में लिखना है, इसका इस ईमेल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर कन्फर्मेशन ईमेल जो आता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये सब मैंने लिख के रख दिया हुआ है, आप इसको चेक कीजिएगा, फिर आप इसको मॉडिफाई ही कर पाएंगे अपने अपने तरीके से अगर आप करना चाहते हैं उस केस में। अब एक एक करके मैं क्या आपको दिखाता चलूँ, सारा पासवर्ड चेंज और ये सब, इसमें बहुत समय लग जाएगा और वो फायदा भी नहीं है। कोड आपको पूरा मिल जाएगा, कोड मैं आपको दे दूंगा कि आप इसको डाउनलोड कर सकें, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोड आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। थोड़ा सा ज्यादा समय लगा है नो डाउट, लेकिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। और आप अगर इस तरीके से इस तरीके का ऑथेंटिकेशन अगर चाहते हैं अपने वेब एप्लीकेशन में अपने अपने किसी प्रोजेक्ट में, तो आप आराम से अब उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी जब फ्रंट एंड इसका दिखाऊंगा तब और मजा आएगा आपको, बिकॉज उसमें आपको विजुअली दिखेगा चीजें होती हुई, तो आपको और अच्छा लगेगा। लेकिन अभी के लिए दोस्तों बैक एंड में इतना ही काम होना था, सारा चीज हमने देख लिया हुआ, एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आपको अच्छा लगने लगेगा, और आप ईमेल वगैरह करके देखेंगे तो भी आपको बढ़िया सा फील होगा। सिर्फ देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ज्यादा कुछ, इसको आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, एक बार देखिए पूरा, फिर आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए खुद से तो आपको समझ में आए। और इसमें कुछ खास है नहीं, आप चाहें तो इसको पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी चीजें और दी हुई है जो मैंने नहीं किया है, तो इसको पढ़ें, पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि सोशल जो वेबसाइट्स होती है जैसे फेसबुक जीमेल, उसका अगर ऑथ इसमें इंटीग्रेट किया जाए, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये भी देखना है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि फेसबुक वगैरह का कैसे आप लगाते हैं इसी में, वो आपको देखने मिलेगा, बट वो मैं अलग से बना के दिखा दूंगा। मे बी किसी को नहीं चाहिए हो तो वह इतना ही यूज़ करेगा, अगर किसी को चाहिए हो तो वह उसको इंटीग्रेट कर लेगा, इसलिए मैंने दोनों को सेपरेट रखा हुआ। बट आप कमेंट जरूर करके बताएं कि अगर आपको चाहिए तो किस में चाहिए, मतलब चाहिए या नहीं चाहिए। साथ में ये भी बताइए कि किस में फ्रंट एंड देखना चाहते हैं, नेक्स्ट में या फिर नेक्स्ट जेएस में या फिर किसी अदर में, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपको बना के दे दूँ, या फिर किसी फ्लटर में या फिर रिएक्ट नेटिव में, जिसमें भी चाहिए होगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको उसमें सबसे पहले बना के दे दूँ। तो यही है दोस्तों, और इसमें कुछ है नहीं, बाकी इसका कोड आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोड आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और जानकारी अगर आपको लेनी हो तो कुछ सजेशन वगैरह, आपको कुछ क्वेश्चन अगर कुछ काम ना करे तो आप यहाँ पर इशू जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जनरेट करते हैं। देखिए पासवर्ड लेस ये लोग बना रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों पर काम चल रही है अभी, उसको क्लोज करते हैं। और JWT अगर किसी को कस्टमाइज करना है, कुछ लोग चाहते होंगे कि जब लॉग इन होता है तो एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन सिर्फ हमें रिटर्न मिलता है जब हम लोग लॉग इन करते हैं। इसे मैं यहाँ लॉग इन करता हूँ, ये हटाते हैं, लिखते हैं हेलो 6 लिख का, और लॉग इन में क्लिक किया, सॉरी ये हमारा एक्टिवेट नहीं है, इसे मिल नहीं रहा। पर जब लॉग इन करते हैं हमें एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन मिल जाता है, लेकिन मुझे यूजर का डेटा भी चाहिए, तो आपको JWT को कस्टमाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको JWT का जो कस्टमाइजेशन होता है वह आपको करना पड़ेगा, तो वह इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो आप चाहें मेरा जो JWT का जो वीडियो था ऑथेंटिकेशन वाला वह देख सकते हैं, उसमें आपको बताएगा, मगर इससे भी काम हो जाता है, टोकन टोकन की आवश्यकता पड़ रही है हमें। बाकी यूजर का डेटा तो के लिए तो अलग से एंड पॉइंट दिया ही गया है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं, मगर फिर भी किसी को चाहिए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टमाइजेशन के लिए। ओके सो लॉग इन के लिए JWT पे कस्टमाइज़ करना है, और टोकन वगैरह बाकी सारा चीज़ हो सकता है कस्टमाइज, सब कुछ कस्टमाइज हो सकता है, बस सबको इसके सोर्स कोड को पढ़ना पड़ेगा, फिर आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने उसके सोर्स कोड को पढ़ के ही टेम्पलेट को कस्टमाइज़ किया, तो इसमें और कुछ खास है नहीं है। मैं इसको करता हूँ क्लोज, और डेटाबेस में आपको डेटाबेस यहाँ पर दिखेगा, देखिए जब तक यूज़र एक्टिव नहीं है तब तक ये जीरो रहता है, एडमिन नहीं है तो जीरो रहता है, जैसे ही यूज़र एक्टिवेट होगा यहाँ पर 1 आएगा, अगर आप इसको एडमिन बनाते हैं तो ये 1 चला आएगा यहाँ पर भी। और बैकेंड आपका एज इट इज़ काम करेगा, बैकेंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, यहाँ पर आइए और यहाँ पर अगर आप इसको अगर आप CLS करें और यहाँ पर करें python manage.py और create
सुपर यूजर, इस तरीके से सुपर यूजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल में आप लिखना, आपको लिखना पड़ेगा कि show@gmail.com, अभी यूजर नेम नहीं, अब आपको ईमेल लिखना है, पासवर्ड नेम यहाँ पर लिख दिया मैंने एडमिन, और इंटर की प्रेस किया। फिर यहाँ पर आपको लिखना है ट्रू, बिकॉज ये ट्रू रहेगा, तो यहाँ पर ट्रू, और पासवर्ड यहाँ पर आपको अपना खुद का कुछ लिखना पड़ेगा, तो पासवर्ड मैंने लिख दिया hello123456। उसी तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है 123456, इंटर की प्रेस किया, सुपर यूजर हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर पाइथन manage.py, इसमें हो जाएगा रन सर्वर, ये लिखिए, और फिर इसमें जाना है, जो बैकएंड में आपका काम हो रहा है वो आपका अभी भी होगा। यहाँ पर आपका ईमेल वही रहेगा जो आपने अभी लिखा, और यहाँ पर जो पासवर्ड आपने दिया था वही पासवर्ड देना है, लॉगिन में क्लिक करना है, और ईमेल आई थिंक ये एक्टिवेट नहीं है, इसी वजह से नहीं दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर देखिए हमें एक्टिवेट है और एडमिन है, तो ये तो काम करना चाहिए था। ये लॉगिन नहीं हो रहा, देखते हैं कि क्या इसमें इशू क्रिएट हुआ है। अभी हम लोग इसमें चलते हैं कोड में, और यहाँ हमने सुपर यूजर जब हमने मैनेजर बनाया होगा तभी कुछ गड़बड़ किया होगा, तो यहाँ पर मॉडल में आना है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सेल्फ डॉट मॉडल यहाँ पर नहीं लिखना था, यहाँ पर जैसे सेल्फ डॉट मॉडल हमने लिखा हुआ है तो हमने वही यहाँ पर नीचे चिपका दिया, बट यहाँ पर सेल्फ डॉट मॉडल यहाँ पर नहीं लिखा जाता, यहाँ पर लिखा जाता है सेल्फ डॉट क्रिएट सुपर यूज क्रिएट यूजर, ये लिखा जाता है। ओके, सो यूजर इक्वल सेल्फ डॉट क्रिएट यूजर, बाकी ईमेल पासवर्ड नेम इज एडमिन एज इट इज रहेगा, ये ट्रू रहेगा, और ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर से इसका डिबग करने का फॉर्मूला मिल सकता है, ये इसने पासवर्ड एज इट इज रख दिया होगा, हैश वगैरह नहीं किया हुआ, तो ये काम नहीं किया सही तरीके से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस से मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसको डिलीट कर दिया मैंने, और एक नया सुपर यूजर बनाएंगे अभी ये ठीक करने के बाद। अच्छा है कि हमने ये भी देख लिया, वरना ये ऐसे ही रह जाता। तो वापस से करते हैं क्रिएट सुपर यूजर क्रिएट, अभी देखते हैं कि ये हमारा काम होता है। gmail.com और नाम वही एडमिन रखेंगे, और इसको करते हैं ट्रू, ये एडमिन बनेगा। पासवर्ड में hello123 इस बार करते हैं, और hello123 इंटर की प्रेस किया, पासवर्ड बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, ये वाली इंटर की प्रेस कीजिए, और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये हमारा लॉगिन होना चाहिए। इससे पहले लॉग इन करें यहाँ पर आकर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपकी बार ये हैश होके आया हुआ है, और ये एक्टिवेट भी है, और इस एडमिन में ट्रू भी है, तो ये सारी चीजें। अभी हम लोग आते हैं इसमें लॉग इन करने की बारी, तो यहाँ पर आना, इसको रिफ्रेश कीजिए, और यहाँ से लॉग इन करना है, यहाँ पर hello123 और एड सिंबल नहीं इसमें था, सिर्फ 123, तो लॉग इन में क्लिक करते हैं और ये लॉग इन हो जाएगा। फिर हम इस यूजर में आप देख सकते हैं कौन कौन सा यूजर है आपका, और आप चाहें तो किसी नॉन एडमिन यूजर को यहाँ से एडमिन भी बना सकते हैं, साथ में आप चाहें तो बिना एक्टिवेशन लिंक के यहाँ से इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं, आप एडमिन है इसलिए आप ये सारा काम कर सकते हैं। ये हो गया। अभी एक चीज यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लास्ट लॉगिन, देखिए यहाँ पर आपका ये अपडेट हो रहा है, ठीक है, अपडेट हो रहा है, लेकिन जब यूजर हमारा लॉगिन करे तब अगर वो अपडेट ना हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ सेटिंग्स में आना है, और यहाँ पर आपको ये फॉल्स है ना, तो इसको ट्रू कर देना है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता। चलिए ना एक करके देखते हैं, एक लिंक तो हमारा गया ही है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप आते हैं, इसमें एक्टिवेशन लिंक हमारा मिला था यहाँ पर, और अगर मैं इसको अगर इसका यूज करके हम लोग इसको एक्टिवेट कर लें तो फिर हम लोग लॉग इन भी कर पाएंगे। मैंने इसको किया, एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर पहले से एक्टिवेट हो गया था इसलिए ये बता रहा है, बट कोई नहीं, एक्टिवेट हमारा हो गया है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ भी यहाँ पर आते हैं और आपको एक नया ईमेल मिल गया होगा एक्टिवेशन वाला, योर अकाउंट, देखिए इस तरीके से लॉगिन, आपको ये टेम्पलेट भी मैंने दिखा दिया, तो ये तो हमारा एक्टिवेशन तो हो गया। अभी लॉगिन करने की बात करते हैं, तो लॉगिन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आते हैं और सेंड में क्लिक करें तो ये हमारा क्या बता रहा है, ई नॉट पासवर्ड सही सही है ना, लो मैं क्लिक किया लॉगिन और यहाँ पर इसको पेस्ट किया, देखिए लॉगिन हो गया हमारा, और एक्सेस टोकन वगैरह आ रहा है। तो एक बार मैं लॉगिन किया तो ये मेंटेन होना चाहिए था यहाँ पर डेटाबेस में, लास्ट लॉगिन हमारा ये मेंटेन होना चाहिए था, बट ये मेंटेन नहीं हो रहा। तो ये मेंटेन हो इसके लिए आपको ये वाला ट्रू करना पड़ता है, ये सेटिंग में आप देख रहे हैं ये वाला, ये पर ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी आपको ना दिखे वहाँ पर मेंटेन होगी, लेकिन जब फ्रंट एंड आप इसमें कनेक्ट करेंगे तब आपको दिखेगा, बट फिर भी देखते हैं एक बार यहाँ से ट्राई करके। इसमें एक बार और लॉगिन में सेंड में क्लिक करते हैं जिससे कि हमारे लॉगिन हो, अभी देखते हैं कि हमारे ये मेंटेन होता है या नहीं। तो यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको मेंटेन हो रहा है ये अब, तो उसी फील्ड से आपका ये मेंटेन होगा, तो बस इसमें इतना ध्यान में रखिए। और कोडिंग में कुछ है नहीं, ये आपको ये भी आपको दे दूंगा, ये मैं एंड पॉइंट जितने भी मैंने क्रिएट किए हैं सारे आपको सोर्स कोड के साथ ही मिल जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया मैंने, मुझे मालूम है, लेकिन होपफुली आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, सारी सेटिंग्स आपको समझ में आ गई, और सेटिंग्स आप कर सकते हैं इसमें से। और टेम्पलेट में ध्यान रखिएगा, टेम्पलेट में बहुत एरर आता है, टेम्पलेट का सिंटैक्स एरर, वो आपका इंडेंटेशन के प्रॉब्लम की वजह से होता है, वह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप इसको सही तरीके से कर पाएंगे, वरना आपका दिमाग घुमाता रहेगा ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे पूछ सकते हैं, अगर आप पूछना चाहें तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।